वेलकम वेलकम दोस्तों, कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? कैसे हो? सब बढ़िया है? कम 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 कम, कल का दिन गाइस पूरा दिन नहीं था, मैं भी क्या ही बोलूँ यार। बट हाँ, वीडियो तो आज मैं फिर भी आपके लिए बना ही रहा था। बट अब दोस्तों हम लाइव आ चुके हैं, जिसकी दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा आदत है। विदाउट लाइव गाइस मेरा दिन नहीं निकलता। एंड नाउ वी आर बैक, मैं आ गया। अरे वेलकम मस्ती भाई, वेलकम। आप भी आ गए, हम भी आ गए। ग्रीन स्क्रीन लगा देता हूँ। नेट का क्या पता यार, नेट कैसे कुछ ऊपर से सीन नहीं हुआ था, क्या पता नेट का क्या हो गया। तो उसने वायर को थोड़ा ये किया, थोड़ा वेबसाइट के अंदर गया, वो नेट हो गया ठीक। और ये मैच मुझे देखना सोनी 10-2 पे लगा कि नहीं। मोनिल भाई वेलकम, एसटी गेमिंग वेलकम। अरे एसटी गेमिंग भाई, मैं तो बहुत अच्छा हूँ यार, आप कैसे हो? मैं क्या बोल रहा था आपको, हाँ जियो टीवी पे मैच लगाए क्या यार? सोनी पे दिखा रहे हैं क्या? दिखाते हैं इंडिया के बीच बीच में मैचेस, हो जितना मुझे पता है मेरे भाई, तो शायद से ये जी दिखा रहे कि नहीं, मुझे जरा पहले वो चेकआउट करना है। जियो टीवी जियो टीवी जियो टीवी, उम्मीद तो ज़्यादा लग नहीं रही है यार। मैं सिर्फ पैरा बैडमिंटन फॉलो कर रहा हूँ एंड पढ़ाई है, सो बिजी हूँ। तो पैरा बैडमिंटन रात को करेंगे मेरे भाई, और लाइव हो चलो हम जो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल मैचेस होंगे यार उसका करेंगे। तो वैसा भी हमको मैंने सोचा यार, नॉर्मल भी कर सकते हैं, बट दिखता है यार कैसा सा मैनेज होता है मेरे भाई। बट रात को तो गाइस हम ये तो करेंगे यार, रात को जो हम गाइस करते हैं उसका राउंड अप, वो तो गाइस पक्का करेंगे। और कौन से पे लगा होगा? 10-3 पे हिंद, शायद से 10-3 पर। पहले मैं चेक कर लेता हूँ सारे चैनल की, लगना चाहिए मेरे ख्याल से यार, मेरे ख्याल से भाई ये लगना तो चाहिए। बट लेट्स सी एंड लेट्स होप लग जाए यार, मजा आ जाएगा। यू कैन पहले देखते हैं लगा है कि नहीं। और बाकी के अपने भाई लोग ये आई थिंक सो डबल्स का मैच दिखा रहे, ये आई थिंक सो इंडिया का ही लग रहा है मेरे को। वाह गाइस वाह, दैट्स अ वेरी गुड थिंग गाइस, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नहीं मुझे लिंक मेरे पास आ चुका है ब्रो, आई थिंक सो आपने ये इसका बिलिंग भेजा होगा पैरा बैडमिंटन का, लाइव ऑन दिस चैनल। ओके ओके, ये कौन सी बात कर रहे मेरे भाई, ये कौन सा लिंक है मेरे भाई? सबसे पहले मुझे वो बताओ यार। अच्छा ये तो बैडमिंटन का मेरे पास है मेरे भाई, बैडमिंटन का लिंक मेरे पास है ब्रो, बैडमिंटन का लिंक है। मैं अपना इसका पूछ रहा था टेनिस का, और टेनिस वाला मैच भी मेरे भाई यहाँ पे लग रहा है। तो भाई चलो सारी की सारी चीजें अपनी हो गई। तो यार दोस्तों एंड गाइस, अगर अपने 5 लोग भी यहाँ पे है गाइस, तो आओ आओ यार दिल्ली से गाइस, बातें करो, लाइक करो यार स्ट्रीम को। इतने समय बाद दोस्तों हम आए हैं, कल का दिन तो भाई पूरा लाइव। मैं आया था शाम को, कोशिश किया था पापा के फोन से आने का, बट फोन से लाइव आना भाई, मैं क्या ही बोलूँ यार, फोन से आप लाइव आना इतना मुश्किल हो जाता है मेरे भाई। WWE क्यों दिखा रहे? WWE धमाल ऐसा कुछ दिखा रहे नहीं। सेकंड ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया इज ओनली सेंट राइफल एथलीट्स फॉर द ISSF वर्ल्ड कप। ओके 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 ठीक है। हाँ भाई अभी मुझे ना आज रात को मेरा बहुत काम है, बिकॉज कल मेरा काम रुक गया था ना, तो मुझे भी आपने मुझे एक अच्छा याद दिलाया मेरे भाई। तो सारे के ऊपर मुझे ये करना है, एथलेटिक्स के ऊपर भी अपना जो होने वाला है उसके ऊपर भी, अपने कौन से प्लेयर है उसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनानी है। तो बहुत सारा काम है दोस्तों, 2 दिन अभी हमने एक ब्रेक भी लिया था, ब्रेक में भी हमने क्या ही यार, ब्रेक में भी हमने थोड़ा बहुत काम किया 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 ही था, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं। बट यार चलो मैच देखने मिल रहा है गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम देखेंगे टेनिस हम। रामकुमार रामनाथन की अभी आई थिंक जो सर्व है, लेट्स सी मैं अपनी सर्विस अभी तो होल्ड कर पाते कि नहीं। आज आज मैं स्ट्रीम में नहीं रह पाऊंगा, इको का एग्जाम है। अरे कोई नहीं कोई नहीं यार, डोंट डोंट वरी बेटे, डोंट वरी। नीरज चोपड़ा विल बी इन एक्शन ऑन 14 जून, मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला, उसकी 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 अब ये करोगे बात, वो तो पक्का ही था मेरे भाई। वर्ल्ड चैंपियनशिप का तो उसने खुद ही बता दिया था, पिछले साल जब उसने बोला था ना कि मैं ये 2021 का ब्रेक लेने वाला हूँ, उसी साल उसने बता दिया था यार कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप अगले साल खेलने वाला हूँ। यहाँ पे अनफोर्स एरर यहाँ पे आता हुआ नेट के सामने फ्रॉम गाइस ओटे, ओटे नहीं आई थी, रेसी है, रेसी जो अपने राम कुमार के गाइस पार्टनर है। तो यार 30 लगभग भी स्कोर चल रहा है, एंड नाउ यहाँ पे सर्विस 200 ब्रेक हो सकती है यार, सर्विस 200 पे ब्रेक हो सकती है, देखते क्या होता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं है, कोई अजीब नाम है, क्या बात कर रहे हो मेरे भाई? ओके ओके, कोई अजीब नाम है क्या? बट आई थिंक सो वर्ल्ड चैंपियनशिप इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे भाई जून में ही होने वाली थी ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे भाई, जितना मैंने सुना था। अजीब ने मैं सेकंड देखना पड़ेगा यार, तो मैंने गूगल पे ट्राई किया था, उन्होंने जून जून या जुलाई में था आई थिंक वर्ल्ड चैंपियनशिप इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चल बढ़िया सब, ये क्या कर रहा है यार, उठे उठे गए, हमारी सर्विस ब्रेक हो सकती है यहाँ पे गए यार, अभी गए हमारी सर्विस यहाँ पे ब्रेक हो सकती है, एंड वी कैन चेस बिहाइंड गए। 3 दिन अभी ब्रेक पॉइंट मिल चुका है एलमेटे और ओटे को। रैसी इज डूइंग पथेटिक यार, रैसी इज डूइंग पथेटिक दोस्तों, रैसी इज नॉट प्लेइंग गुड। सो या
हार्ड टू बिलीव दैट वी हैड अ सिंगल्स प्लेयर विद अ ब्रॉन्ज मेडल इन द ओलंपिक्स। यार मेरे भाई हार्ड टू बिलीव, मतलब क्या ही बोलूं यार मैं, क्या ही बोला जाए मेरे भाई, क्या ही बोला जाए यार। सबसे अगर कोई, मतलब सबसे अगर कोई चमत्कार चीज अगर है ना मेरे भाई इंडियन स्पोर्ट्स में, तो भाई उसके अलावा मुझे और कोई नहीं लगता यार। वो तो भाई 1983 से भी कोई खतरनाक खतरनाक वाली चीज है लिटरली यार। अब वो ऐसा कोई एकदम भारी वाला अगर है मेरा भाई चमत्कार, तो लिएंडर पेस यार, लिएंडर पेस। हाँ ये बाहर गया आई थिंक सो यार गाइस। चलो अभी 2 गेम पॉइंट अभी सेव हो चुके हैं यार, बहुत ही बढ़िया। एंड ब्रॉडकास्टिंग भी अच्छे कर रहे हैं यार, मतलब नॉट डेड बैड यार, नॉट डेड बैड। सोनी लिव वेल डन, जहां से भी अपने राइट्स खरीदे यार, बहुत ही बढ़िया। सो या ब्रो 19 एथलेटिक्स, या भाई वो मोमेंट मैंने डीडी स्पोर्ट्स पे उसका ना मैंने मोमेंट देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग है। उसका हाईलाइट मैंने देखा है कि मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसका मोमेंट दिखाते यार वो ना, वो एक बाइट होता है ना बाइट, वो हमारा डीडी स्पोर्ट मतलब हमारा नेशनल चैनल है भाई, नेशनल चैनल है, तो उसके ऊपर ना वो पहले जब बचपन में था तब वो बाइट दिखाया करते थे उनकी, वो मेडल लेने वाली वो विनिंग मोमेंट, वो वाली चीज है यार। तो यार ब्रो अरे क्या हो रहा है, इतने सारे नोटिफिकेशन मेरे ब्लू स्टैक्स की इस पे, चल हट जा, नाउ इट्स परफेक्ट। और कल तो भाई अपना चल बट ये एस है क्या, नहीं नहीं ये एस नहीं, 40-40 तो गाइस अभी स्कोर हो चुका है। अच्छा कमबैक अभी यहाँ पे किया यार, कुछ अच्छी सर्विस, कुछ अच्छे गाइस रिटर्न, कुछ अच्छे शॉट के साथ, उसे भी रामथन और रेसी ने गाइस कमबैक कर लिया है। 40-40 का अभी स्कोर चल रहा है, देखते क्या होता है, लेट्स सी। बढ़िया अच्छा, अरे ये भाई साहब बहुत ही बढ़िया क्रॉस कोर्ट यार फ्रॉम गाइज ओटे, एंड और एक पॉइंट उसे भी मिल जाएगा उनको यार, एंड फिर से दोस्तों भी उनके पास एडवांटेज है, देखते हैं। चौथा गेम पॉइंट गाइज उनके लिए, चौथा गेम पॉइंट, लेट्स सी भी ये चौथे गेम को, चौथे गेम पॉइंट को गाइज वो कन्वर्ट कर पाते कि नहीं यार, बिकॉज उनके पास पहले थे पर उन्होंने उसका फायदा उठाया नहीं। सो लेट्स सी, देखते भी वो क्या करता है, एंड लेट्स आपके जरा कॉमेंट भी देख लूँ मैं, तो या मैच देखने मिल रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं तो गाइज सबसे पहले भाई मैं वो खुश हूँ कि मैच देखने मिल रहा है, हाँ, वो भी अच्छी तरीके से यार। और ये हिंदी कमेंट्री में भी होगा, कमेंट्रीज किया कि नहीं देखते जरा, वो कह रहा होगा अपने मनीष सर होंगे, मनीष बटाविया। बैकहैंड रिटर्न, खराब रिटर्न है यार, ये को तो अपने फॉर्मर फॉर्मर को तो टेनिस प्लेयर है यार, फॉर्मर टेनिस प्लेयर कर रहे हैं यार ये टेनिस प्लेयर, हमारी कमेंट्री कर रहा है, उसका मैं नाम भूल गया यार, तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा मेरे पास, डांडेकर टांडेकर ऐसे कुछ तो नाम है उनका। चलो यार वी आर रेसी और गाइस रामथन गाइस बहुत अच्छा, मतलब वो हार नहीं मान रहा इतना जल्दी, एंड वो एक ऐसी अच्छी बात है। अरे कहाँ गए दोस्तों आप, हो कि नहीं यार, जरा कमेंट करो यार, जरा कमेंट करो। है नॉलेज जो जैसे कौन जी जैसे कॉलेज रू मकान जी जिस लैंड, और ये अनफोर्स एरर्स गाइस। और ये आई थिंक ओटे कहाँ पे आता हुआ यार, यार दोस्तों भी रामकुमार रामानाथन और रेसिकल्स तो पहला गेम पॉइंट अभी उनको मिलता हुआ यार, लेट्स सी दोस्तों भी उसको कन्वर्ट कर पाते कि नहीं उन लोग, एंड होप यार दोस्तों हो जाए कन्वर्ट, मैं तो गाइस वही चाहता हूँ, तो लेट्स होप एंड लेट्स प्रे कि हो जाएगा इस कन्वर्ट, तो मजा आ जाएगा। अरे संजय भाई वेलकम वेलकम, अरे नरसिंह भाई वेलकम 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 भाई लोग, वेलकम 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 वेलकम। या आवाज तो यहाँ से आ रही, आपको आवाज आ ही रही होगी, आवाज तो आपको आई थिंक तो गाइस आ ही रही होगी। सो यार गाइस ठीक है, एडवांटेज टू गाइस रामानाथन एंड जैसे। और ये इंटरनेट एक दिन होता नहीं ना पूरा काम रुक जाता है यार। टुमारो आई हैव एन एग्जाम ऑन रैकेट स्पोर्ट्स, हैवंट प्रिपेयर्ड मच। रैकेट स्पोर्ट्स मतलब मेरे में समझा नहीं, मतलब रैकेट स्पोर्ट्स के ऊपर एग्जाम होने वाला है क्या? वॉचिंग लाइव यार मेरे भाई, लाइव देख रहा हूँ मैं। आप सोनी 10-2 पे देख सकते हो, मैं सोनी 10-3 पे आ रहा है, मतलब आप सोनी 10-2 पे भी देख सकते हो मेरे ख्याल से। सोनी 10-3 पे हिंदी है, एक पे इंग्लिश होगा, तो लेट्स सी। इधर ये, और ये ऑफ कोर्स यार अगर सोनी पे आता तो मेरे भाई इधर भी आप देख सकते हो जियो टीवी, बिकॉज वो वहाँ पे है, जियो के अंदर सर आपको वहाँ पे देखने मिल जाता है यार, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। Have won a pondal as any Jesus a call ago on a wave in flat। ये बाहर मार दिया यार, ये बाहर मार दिया, क्या हो रहा है यार, ये गेम खत्म नहीं होगा। यस आई एम अ स्टूडेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स साइंस में क्या होता क्या है, मतलब मेरे भाई स्पोर्ट्स साइंस में मतलब क्या, मतलब उसमें क्या होता है, मतलब मुझे मतलब ठीक है मैं समझ रहा हूँ कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही है, बट स्पोर्ट्स साइंस में समझा नहीं मेरे भाई, अगर आप थोड़ा हल्का फुल्का अगर मुझे समझा दोगे तो भाई अच्छा होगा। जहाँ पे स्पोर्ट्स लग जाता है ना भाई, उसके 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 बाद मुझे थोड़ा उसके बारे में जानने में अच्छा लगता है।
स्पोर्ट्स साइंस स्टूडेंट, आप बहुत ही बढ़िया एस थी क्या ये? चल ओके, फोर्स साइकोलॉजी डाइट, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है गाइस। हॉकी में क्या हुआ? हॉकी तो भाई मैं अभी कल एक सुबह वीडियो आ रही, अभी मैं बना पर आलस बना यार, बहुत आलसी हो चुका हूँ मैं। अभी एक दिन इंटरनेट नहीं होता तो भाई मैं आपको बता देता, डज राम हैज अ चांस ऑफ विनिंग, डज राम हैज चांस ऑफ विनिंग। यार राम अभी वो खेल रहा है डबल्स, तो भाई कुछ कह नहीं सकते यार, बिकॉज ये वाला गेम कितना लंबा खींच रहा है ब्रो। बड़ी अभी तक तो वो ठीक खेल रहा है, तो लेट्स सी देखते क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते। अभी अपने उनकी सर्विस होल्ड नहीं कर पा रहे यार, अभी उन लोग सर्विस होल्ड नहीं कर पा रहे यार, रहती अपना तो या प्लस यू परस्यू स्पोर्ट्स ऑफ योर ओन, माइन इज शूटिंग। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब आपको पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के ऊपर होता है क्या? तो रिजल्ट तो बता देना। अरे कुछ नहीं मेरे भाई, रिजल्ट जो अपना कल का था, कल हम हार हार गए थे मेरे भाई। तो यार मेरे भाई जो जो कल का रिजल्ट, आप मेरे वीडियो देखते नहीं क्या मेरे भाई? यार इतने मेहनत से मैं वीडियो करता हूँ मेरे भाई, तो यार देख लो यार, आपको सारी चीज़ मैं बता देता हूँ वीडियोज के अंदर। तो यार मेरे भाई जैसे कल वाला मैच था, कल हम जापान के साथ हार गए थे 5-2 से, तो वो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था मेरे भाई। तो वीडियो देखो मेरे भाई, सब पता चल जाएगा, सब सारी की सारी चीज़ आपको मेरे भाई वहाँ पे मिल जाएंगी यार, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी एडवांटेज इतने मिले ना यार, अभी ओटे और एल्टमर को इतने एडवांटेज मिले, इतने ब्रेक पॉइंट्स मिले उनको, कि वो ही नहीं कर पा रहे यार। एक अच्छी एस अभी आई मेरे ख्याल से, गुड एस फॉर्म गाइज रहते 40-40। ये क्या ही हो रहा है, ये 40-40 पे गाइज कब से रुक रहा है ये मैच? पहले अपने एल्टमर और ओटे के पास तीन ब्रेक पॉइंट्स थे यार, बट उसका वो फायदा उठा नहीं पाए। और अपने अपने रेसी ने अच्छे से सर्विस अच्छे डाल के कमबैक किया बंदे ने। सो देखते भी होता है क्या। स्पोर्ट्स साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग यार, इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। बढ़िया ये बाहर मुझे, ओ बढ़िया बढ़िया पे राम का, रामन कुमार का एक अच्छा शॉट यार, नेट के पास एक स्लाइस किया उन्होंने। तो या गाइस एक अच्छा स्लाइस फ्रॉम रामनाथन, एंड वी विल स्कोर दिस पॉइंट, एंड वी हैव टू गाइस, एडवांटेज मिल जाएगा अभी हमको गाइस, एडवांटेज मिल जाएगा, एंड दैट्स वेरी गुड थिंग। देखते क्या होता है। फर्स्ट ऑफ पॉइंट्स विन, 28% उनके है, 38% हमारे है। तो दोस्तों नई स्पोर्ट्स नॉलेज सारे स्पोर्ट्स की चाहिए, बट कोर्स के लिए एलिजिबल होने से खुद का एक स्पोर्ट होना चाहिए पर प्रोफेशनल लेवल पे। तो यार ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अगर सब अगर एक ही अगर आपको स्पोर्ट चाहिए मेरे पास, तो सारी स्पोर्ट्स की नॉलेज चाहिए। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मेरे भाई, इंटरेस्टिंग। चल चल थोड़ा बाउंस है सर्विस पे यार, अच्छी सर्विस, और उसको अच्छे से रिटर्न नहीं कर पाया आप यार एल्टमर। देन और एक 200 भी पॉइंट मिल जाएगा। भोपन्ना प्लेड रियली वेल, कल का मैं मैच देख ही नहीं पाया यार, बिकॉज मेरे पास सोनी के चैनल सही नहीं ना मेरे भाई। अरे मुझे फीवर हो गया था इसलिए मैं आपकी वीडियो नहीं देख पाया, सॉरी। अरे कोई नहीं यार, कोई नहीं मेरे भाई, कोई नहीं ब्रो, कोई नहीं यार, टेंशन ना लो, हो जाता है हो जाता है। फीवर 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 के बारे में मैं क्या ही बोलूं मेरे भाई, फीवर तो भाई क्या ही बोले फीवर के बारे में यार। फीवर के बारे में दोस्तों हम क्या ही बोले। चल 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 अनफो शहर अभी आप आता हुआ। हाँ चलो गाइस ये आखिरकार दोस्तों गेम खत्म हुआ यार, बहुत ही बढ़िया। और थर्ड गेम अभी गाइस पांचवा गेम दोस्तों स्टार्ट भी हो चुका है। चल चल बढ़िया है बढ़िया है, दैट्स वी वांट गाइस, दैट्स वी वांट। सानिया मिर्जा का देखते हैं, रीड माई अबाउट टू एक यार रबा अबाउ अंशु पूप, अंशु पूप मतलब मैं समझा नहीं मेरे भाई यार, अंशु पूप मतलब मेरे भाई अपने, मैं क्या इसका इस कमेंट का मैं मतलब ही नहीं समझा मेरे भाई, अंशु पूप का मतलब मैं समझा नहीं मेरे भाई। हॉकी का मैच चल रहा है ना भाई, आज के दिन आई थिंक तो रेस्ट है यार मेरे ख्याल से, कल के दिन अपने अपने जो ग्रुप के मैचेस है मेरे भाई वो होने वाले, कल सारे के सारे मैचेस कल ही होने वाले इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे भाई, 26 तारीख को भी अगले मैचेस है, तो आज का दिन में रेस्ट डे है हॉकी में। चल मेरे भाई अंशु पुप का मतलब मैं समझा नहीं, पाकिस्तान और फिर जापान का मैच का क्या क्या हुआ? नहीं वो अब सब सब मेरे भाई कल ही होने वाला है मेरे भाई, और उसका हम वॉच अलोंग करेंगे यार, वी विल सपोर्ट जापान मेरे भाई। तो यार तो वो एक मेरे भाई इंटरेस्टिंग मैच हो जाता है, उसके बाद इंडियन से वो भी करेंगे, बिकॉज थोड़ा भी एक अलग से मोड पे आ चुका है अपनी हॉकी यार। सो लेट्स सी देखते क्या होता है। वी विल सपोर्ट जापान टुमारो टुमारो, एंड 3-2 चल रहा है भी यार। ऑल्टे और एल्टमर अपने कहीं आराम से सर्विस होल्ड कर पा रहे यार, ऑल्टे और ओल्टमर अपने आराम से सर्विस होल्ड कर पा रहे हैं, दैट्स अ इशू वाली थिंग है अपने लिए। तो देखते क्या होता है। एडवर्टाइजमेंट बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन, ओके 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 ठीक है ठीक है। पूप का मतलब फिर भी समझ समझ में नहीं आया मेरे को यार। पूप अगर उस दिन चोक ना
करते तो उस दिन, मतलब कौन से दिन की बात कर रहे हो? अगर अच्छा वो जो फर्स्ट मैच, तो भाई क्या ही होता, तो आज आज शायद से हमारे आगे क्यू तो नहीं लिखा होता यार, बट मतलब हो ही जाता मतलब यार, बिकॉज इंद्र जो तो हराने वाला है, बट वो 14-15 गोल के माध्यम से हारेंगे भाई, वो तो मैं क्या ही बोलूँ यार मैं। भाई मेरा कमेंट पढ़ो भाई, अपने पहले कमेंट तो लिखो मेरे भाई, पहले आप कमेंट तो लिखो ब्रो, अपने कमेंट आपका नहीं आया था मेरे भाई। सो यार अभी आपका कमेंट है, मैंने पढ़ लिया। वेव इन फ्लैग, ओ वेव इन फ्लैग, आई एम गॉट टू ओल्ड द एसएनए सिंगर, हर दाने जो जस्ट लाइक द वेव इन फ्लैग। ये फ्लैग वाला गाना बहुत ज्यादा ही मेरे अभी दिमाग में आ चुका है यार। 16th मिनट गोल, वो तो नॉर्मल है ना यार, इंडिया के साथ वो तो मेरे में नॉर्मल हो चुका है यार आजकल। हर महीने में, हर एक महीने में दो 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 बार तो होता ही है यार। फिर वो कभी कभी मेंस टीम, कभी 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 भाई अपनी, अभी आजकल वुमेन्स टीम के साथ भी एक दो बार हो चुका है। सो भाई जब जब इंडिया खेलेगी तो वो वाले, उसके लिए भाई अब रहना मेरे भाई रेडी। मैं तो हमेशा आपको वही बोल, अच्छा सर्विस राम कुमार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड सर्व फ्रॉम गाइस रामन। आता नहीं, ए सी बोलूंगा इसको, एस तो नहीं थी बिकॉज उसने रिटर्न कर लिया था, रिटर्न उसका नेट पे गया था यार, सो अच्छे से रिटर्न नहीं कर पाया, पर अच्छी अक्रॉस जा रही था इसका सर्विस, तो थोड़ी अक्रॉस जा रही थी राइट हैंड साइड में। तो या अब सर्विस करने का उसका जो ना, जो उसकी क्या तो उसको बोलते, तो पोस्चर बहुत अच्छा होता है यार उसकी, जो मूवमेंट होती है स्टार्ट से लेकर एंड तक, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट्स वेरी प्लीजिंग टू द आई। अच्छा है ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल मैच थी जिसने बचा लिया था, या ब्रो यार वरना फोर फोर हो जाता। चल क्या हो रहा है, चल कम ऑन, 5-5 हो जाता, नहीं क्या था नंबर ब्रॉन्ज मेडल में स्कोर मेरे भाई अपना, मैं भी भूल गया यार, मैं भी बहुत भूला करूँ, 5-4 से हमने विन किया था ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे भाई यार। पर तो कोई ही नहीं है, मस्ती भी नहीं है, अरे भाई सबके भी एग्जाम्स है मेरे भाई, सबके भी एग्जाम्स है यार, सबके मेरे भाई भी एग्जाम्स है। तो यार ब्रो अभी मस्ती की भी एग्जाम है, मोनिल भाई की एग्जाम है, दीपांशु भाई की भी एग्जाम ही होगी, वो इनका कोविड का भी सीन चल रहा है। यार एडरसन को मैनचेस्टर डीसी से भगा, बट यार सब सब तो मेरे भाई उसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई, यार सब तो मेरे भाई उसकी बात कर रहे हैं ब्रो। मतलब तो 5-4 किसके सामने था मेरे भाई, 5-4 किसके सामने था ब्रो, मतलब 5-4 भी था ना किसके सामने इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर मैं किसी और ही स्कोर की सोच रहा हूँ, 5-4 भी था किसके सामने, आई डोंट, नहीं नहीं कर ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ये देखो अनफोर्स एरर मत कर यार रामकुमार, अनफोर्स एरर मत कर, उसकी वजह से चैंपियंस लीग आ गई। ओके ओके ओके, बट बहुत सारे लोग तो भाई उसकी तारीफ करते हैं यार, जो भी मैं अपने इंडियन कंटेंट क्रिएटर देखता हूँ ना यार, जो भी मैं मेरे भाई 5-4 यार, मैं किसी और की मैच तो अभी मैं आई थी तो अभी 5-4 था गाइस इंडिया से, क्या बताया यार, मैं भी थोड़ा अनश्योर हूँ यार, मैं भी थोड़ा अनश्योर हूँ, आई डोंट इवन नो यार क्या था स्कोर, मैं भी है ना ये बढ़िया सर, ये लेट लेट था आई थिंक, सो नहीं ये अनफोर्स था, अनफोर्स था ये अनफोर्स था, नहीं नहीं ठीक है, एक्शन बहुत स्मूथ यार, मुझे तो भाई इसका एक्शन ही बहुत पसंद है। अरे शेल्डन भाई वेलकम, वेलकम शेल्डन भाई, चल और ये बहुत अच्छा रिटर्न यार, सर्विस भी अच्छी थी और डाउन द लाइन रिटर्न जहाँ पे कोई था ही नहीं यार, उफ उफ, जो सामने वाला जो अपना प्लेयर था रैसे यार, वो राइट हैंड साइड में था, वो आगे था, वो थोड़ा थोड़ा मिडल में वो शिफ्ट हो चुका था और उसका फायदा उठाया यहाँ पे, डोंट लूज अ ब्रेक पॉइंट, देखते हैं मेरे भाई सर्विस अभी कैसे करते हैं रामकुमार। पहला पहली लेड, पहली सर्व अभी अनफोर्स, सेकंड देखते भी क्या होता है, पहली एरर सेकंड देखते हैं, और ये सेकंड बाहर मारा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन गाइस, बहुत ही अच्छा एक मारता है सर्व थी यार, जिसको अच्छे से रिटर्न नहीं कर पाया यहाँ पे ऑटे, और उसने गाइस बैकहैंड से बाहर मार दिया। 40-30 चल रहा है ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 40-all चल रहा है ना, क्या क्या गाइस स्कोर चल रहा है, 40-40 या भाई 40-30 दिखा रहा है। रेसे फ्रॉम विच कंट्री, यूएसए मेरे भाई, यूएसए, रेसे फ्रॉम यूएसए मेरे भाई, और यार नहीं ये थोड़ा सा, ये थोड़ा साइड में था, ठीक है कोई नहीं, पावा जी मैनू मुझ मैनू ना रोके तेरे ढोल जुदाइया नी, क्या गाना यार ये, मैं उसी दिन सुन, मैं इंस्टाग्राम पे सुन रहा था यार ये गाना, पर इसे मुझे फुल गाना नहीं पता था नाम क्या इसका। अरे चलो चलो, और एक पॉइंट 200 पे मिलता हुआ, एक अनफोर्स एरर फ्रॉम 200 पे आता हुआ फ्रॉम आर अपोनेंट्स, दोनों बहुत इंडी डिफिक्शन करना, थोड़ा और जूम लेके जाऊं उनके सामने यार तो मजा आएगा। आई लव एसेस, एंड एसेस तो नहीं, एसेस तो अब तक नहीं आया मेरे भाई यार, जितना मैंने देखा अब तक तो कोई ऐसा एसेस नहीं आया मेरे भाई, मैंने पहले के दो गेम नहीं देखे थे, अभी का ये वाला गेम पिछला देखा था आई थिंक, तो नहीं एक आध ऐसे ऐसे आया मेरे भाई, रहते ना रहते,
उसने मुझे अपना राम कुमार का पार्टनर है, उसने आई थिंक सो एक दो एस किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे भाई। मैंने जस्ट अभी देखना शुरू किया मेरे भाई। तो यार चल 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 चल, ये अच्छा फिनिश अभी आता हुआ फ्रॉम गाइस रहते नेट के करीब, उसने अच्छा फिनिश किया और एक पॉइंट अभी मिल जाएगा। फर्स्ट सर्व सेट पॉइंट्स वॉन 31% ओटे एंड एल्टमोर और रामनाथन और रेसे थे अपने 28% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या एसीएस का तो मजा अलग होता है यार, एसीएस जो जो एकदम दूर जाती है ना यार। हाँ मुझे वो भी अच्छी लगती है, जो बीच वाली होती है वो भी अच्छी लगती है यार। और 16 16 मेरे ख्याल से मेरे भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16 है पर अपोनेंट की सीड। तो यार फोर था चेक करके आया, ओके ओके हाँ 5-4 था चेक करके आया यार। चलो भाई मतलब मेरी याददाश्त इतनी अच्छी कब से हो गई यार, माँ कसम मेरी याददाश्त इतनी अच्छी हो गई। चलो ठीक है, लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड 12:30 में, उधर अभी नीचे ये आ रहा था यार एडवर्टाइजमेंट आ रही है। चलो 3-3 क्लोज ही जाएगा यार, क्लोज ही जाना चाहिए मैच तो, कैसे मजा आएगा। तो यार क्लोज जाए दोस्तों मैच, और ये 5 बजे शुरू होना था, 6:45 मैच शुरू हुआ है मेरे भाई। इनकी नहीं 16 ये नहीं है मेरे भाई, इनकी इनकी सीड यहाँ पे, यहाँ पे नहीं इनकी सीड नहीं मेरे भाई, यहाँ पे यार यहाँ पे इनको मेरे भाई सीड नहीं है। तो यार दे हैव नॉट हैव एनी सीड यार, मैंने देखा वो रोहन बोपन्ना का देख लिया था। तो यार मेरे भाई इनकी कोई सीड नहीं है ब्रो, इनकी कोई सीड नहीं है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। राम जीत गया घटिया पुल से, रियल मैड्रिड जीत जाएगा घटिया पुल से, देखते देखते मेरे भाई क्या होता है। शायद से हो जाएगा ट्रेबल, शायद से हो जाएगा। रियल मैड्रिड तो भाई मैं बहुत हेट करता हूँ, तो भाई अभी लिवरपूल कम से कम ये तो जीत जाए यार। रियल मैड्रिड तो भाई मैं तो नहीं चाहता रियल मैड्रिड जीते, बट देखते क्या होता है। चल ये बहुत ही आसान से रिटर्न मत दो यार, ये आसान से रिटर्न मत दिया करो यार, ये आसान से फिनिश कर रहा है यहाँ पे। ऐसे कैसे होगा दोस्तों, ऐसे कैसे होगा। चलो पावा जी बनू मुन दनू ना रोके तेरे डोल जुदाइया दी, तो तोल तेरे जैना आ जावे बिन तेरे ते। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑडियो लैग नहीं, ऑडियो लैग ठीक है सब बढ़िया है। ऑल आर सेट चलो भाई सब बढ़िया है दोस्तों, सब बढ़िया है। अरे चल खुल खुल, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग यार। चलो ठीक है सर्विस ब्रेक करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं जीत पाएंगे। ऑफ कोर्स यार सर्विस तो मैंने ब्रेक करना, तो भाई वो तो मूलभूत सिद्धांत है मेरे भाई गेम का। दिस पेयर आर रियली गुड ऑन देयर सर्विस बट वी आर टेक आवर सर्विस टू ड्यूस प्रोड्यूस इफ दिस कंटिन्यू वी विल सून बिहाइंड। या मेरे भाई वो तो मुझे लग ही रहा है यार, तो ये तो भाई चल रहा है अभी तो, अभी तो मेरे भाई बातें, अब तो मेरे भाई अपने दिन कट रहे हैं, बट अगर हम ऐसे ही खेलते रहेंगे मेरे भाई तो सेकेंड सेट में वो हमारे मेरे भाई धागे खोल सकते हैं यार। सो या वाई नॉट। और अभी मेरे भाई मुझे बताओ यार, हाँ मुझे क्या थोड़ा ब्रेक आ चुका है, तो मैं आपसे पूछने वाला था क्या अपकमिंग टूर्नामेंट का, अपकमिंग टूर्नामेंट कौन सा है। सोल फैन शाहजी लाइव चल रहा है क्या यार मेरे भाई, सोल फैन शाहजी लाइव चल रहा है, तो यू कैन वॉच ऑन जियो टीवी अगर तो वहाँ पे है, तो सोनी 10/3 पे आप देख सकते हो, जो अपना घर का अगर आपके पास टीवी है मेरे भाई तो वहाँ पे भी आप देखो, तो सोनी 10/3 तो यार मेरे भाई जियो टीवी अगर आपके पास है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो आप फ्री में देख सकते हो क्या मेरे भाई। इम्प्रूव की है आजकल, एम आर रेडी टू इम्प्रूव ही की है आजकल, मतलब मैं समझा नहीं मेरे भाई इसका मतलब यार, एम आर रेडी टू इम्प्रूव कर रही है आजकल। ओके ओके मेरे भाई, यार आजकल मैं टेनिस देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बट मेरे भाई मुझे बस ऑनलाइन पैसा ही नहीं ना यार भरने के लिए। अब मैं अभी अपने भाई को मत्का लगाऊंगा और उसके थ्रू मैं देखूंगा मैच, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ मेरे भाई, मुझे देखना है यार। मेरा वो सन डायरेक्ट वाला ऑनलाइन पेमेंट मांगता है यार, ऐसे हम कुछ कर, और कोई टीम भी नहीं है जैसे कुछ कर सकते हैं। अब भाई को मत्का लगाऊंगा, सोनी 10/2 ले लूंगा और सोनी 10/6 ले लूंगा। तो यार सोनी 10/3 तो सिर्फ हिंदी में आता है, सोनी 10/4 पे अपना तमिल मलयालम ये सारे सारे लैंग्वेज आता है, जिससे मुझे कोई मतलब नहीं, मतलब हिंदी तमिल की इतना इतना पैसा, इतने पैसे आते तो हिंदी में भी मैं इतने सारे चीजें लूंगा या।
सोनी सिक्स पे दे रहा है या मेरे भाई सोनी सिक्स को भी दे सकता है आप तो सर सोनी सिक्स पे भी दे, वहाँ पे इंग्लिश में आपको मिल रहा होगा मेरे भाई, वहाँ पे इंग्लिश में मिल रहा होगा और सोनी 10.3 पे मेरे भाई हिंदी में मिल रहा है। ओके एम आई बैकहैंड का काफी स्ट्रांग हुआ है पहले से, ओके ओके उसको और उससे कौन सा जीता था मेरे भाई, मैं भूल गया विंबलडन ही बोन ना इकर नॉट मेरे भाई पिछले साल, तो वो तो मैंने देखा था ये भाई साहब बहुत बड़ा डाउन दे रहा है अभी आते हमारा यार चल चल ओटे ने 30-50 अभी शोर चल रहा है अच्छा डाउन द लाइन लाइन को बेचे जो उसने कवर अप करके रखा था एनोनी जो लाता कौन जी जस्ता कौन बैजो बकौन जो जस्टैन। क्या अपने अपकमिंग है स्पोर्ट्स क्या आ रहा है यार अपना शूटिंग का शूट भाई साउंड ठीक कर भाई साउंड ठीक कर भाई मैं साउंड के लिए ना भाई मैं कल भाई के पास गया था माइक लेके तो उधर तो सब चल रहा है तो अभी दिक्कत क्या ना मेरे भाई इसकी दिक्कत हो सकती है मेरी इसकी दिक्कत हो सकती है क्या उसको बोलते हैं अपना स्प्लिटर स्प्लिटर उसकी दिक्कत है तभी उसको ऑनलाइन ऑर्डर तो मैं कर दूंगा पर उसके लिए भी लगेगा टाइम तो भी मैं भाई से पूछता हूँ क्या करना है यार मैं भी खुद समझ नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ये ऐसी चीज है ना यार ये कहीं मिलती भी नहीं यार स्प्लिटर ने क्या बताया ऐसा वाला स्प्लिटर कहाँ पे मिलेगा अब ठीक है ना ये नहीं है ये तो कुछ भी नहीं यार मेरे पास माइक है मेरे भाई तो मुझे उससे ये करना है। पैरा बैडमिंटन इज लाइफ बट इट इज गोइंग वेरी टफ टफ मतलब मैं समझा नहीं मेरे भाई इट्स वेरी गोइंग टफ मतलब मेरे भाई पैराबैडमिंटन आपको पता नहीं मेरे भाई अरे धरेन्दु जरा लिंक दे दो मेरे भाई धरेन्दु लिंक दे दो यार भाई पैराबैडमिंटन इफ यू वांट तो मेरे भाई आप देख सकते हो यार बैन मतलब आई थिंक चैनल का लिंक मांग रहे होंगे यार आई थिंक सो क्या बोल रहा था मैं भूल गया मेरे दिमाग से क्या तो मैं बोल रहा था छोड़ो कुछ तो मैं बोल रहा था आई जस्ट अरे लिंक तो यूट्यूब पे चल रहा है मेरे भाई यूट्यूब पे ही है एक सेकंड यूट्यूब जरा हम आपको यूट्यूब का लिंक जरा दे देते हैं या चलो मेरे भाई लिंक आ गया या ब्रदर यू कैन वॉच फ्रॉम हियर तो रात को मेरे भाई खत्म कितने जोगा मेरे भाई पैरा पैरा इफ एनी वन हैज गाइस आइडिया तो मुझे जरा बताओ दोस्तों रात को दोस्तों खत्म कितने जोगा तो उसके हिसाब से गाइस हम लाइव आ जाएंगे एंड वी विल टॉक अबाउट दिस यार कि क्या है कैसा है सारी चीजें मेरे भाई तो यार तो मुझे बस इतना बता दो मेरे भाई कि कितने बजे क्या क्या होगा तो उसके उसके हिसाब से मेरे भाई हम आ जाएंगे रात को। अरे क्या कर रहे हैं यार ये सर्विस होल्ड ही नहीं कर पा रहे हम लोग यार सर्विस होल्ड करने में हमारे लग जा रहे हैं लिटरली यार सर्विस होल्ड करने में हमारे मेरे भाई लग जा रहे हैं करो यार अच्छे से सर्विस होल्ड करो क्या कर रहे हो माँ कसम भाई साहब मुझे तो कोई एक मैसेज आया था मैं जरा खुश हो गया था पर चलो अभी खुशी की इतनी जल्दी बात नहीं है खुशी आएगी बट कल तक आएगी यार फोर करो मेरे भाई फोर करो मतलब मेरे भाई समझा नहीं मैं यार यार देखो ये अपडेट ना मैं नहीं कर सकता मेरे भाई ये तो भाई उनके ऊपर है मेरे भाई तो यार ये फोर हाँ अभी देखो मेरे भाई अभी हो गया होगा ब्रॉडकास्टिंग थोड़ा पीछे रहता है मेरे भाई ब्रॉडकास्टिंग थोड़ा पीछे इसलिए आपको थोड़ा कमेंट्री में दिक्कत आ रही होगी बट अभी देखो मेरे भाई अभी हो गया होगा तो वो अपने आप हो जाता है ब्रो चल अच्छा ड्रॉप अच्छा अरे क्या ये ड्रॉप खेलना इस पे रामकुमार क्या कर रहा है दोनों पीछे थे यार दोनों पीछे थे बट वैसे तो हमने कहा ये देखो वैसे तो गाइस हमने ही गेम जीता है चलो ठीक है बट यार एक जो शॉट थोड़ा खराब खेला अच्छा अच्छा फोर करो भाई अरे ओके 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 वैसे ही बात है क्या मुझे लगा कि भाई मुझे बोल रहा है यार वो नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं ठीक है तो फिर ठीक है मेरे भाई तो फिर ठीक है आई वॉन्ट इंडिया नॉट टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल एशिया कप एज इंडिया वेलकम टू फिफ्थ फिफ्थ लूज टू मलेशिया कोरिया नाउ वी आर करेंटली फोर्थ लूजिंग टू जापान। यार यार क्या ही बोले यार यार अगर हम क्या ही बोले इसके ऊपर यार मैं आपका कॉमेंट से ना मैं थोड़ा वाकिफ करता हूँ यार मैं थोड़ा आपके कॉमेंट से वाकिफ हूँ मेरे भाई बट लेट्स सी क्या होता है भाई। पैरा बैडमिंटन मतलब जो आप अपाइज होते हैं उनके उनका गेम या मेरे भाई जो अपाइज लोगों के लिए होता है पैरा बैडमिंटन देखेंगे ना बेटे देखेंगे ना हम लोग टेंशन ये बाहर मार दिया तो सरस
तो बहुत हम कर रहे हैं यार, सर्विस भी उनकी बहुत अच्छी है। क्या दोस्तों, मलेशिया 1 ओवर 4 या मेरे भाई, मलेशिया ने 5-4 से वो मैच जीता था भाई। मजा आएगा यार, मजा आ रहा है मेरे भाई। ऐसा अगर ऐसे दोस्तों किसी दोस्तों गेम अगर चलते रहे ना मेरे भाई, तो मजा और होता रहेगा। एंड आई एम मेरे भाई, आई एम लिटरली लविंग इट मेरे भाई, आई एम लिटरली लविंग इट। अरे बेस्ट भाई, वेलकम वेलकम, थोड़े लाइक भी कर दो गाइस यार। आई वॉन्ट जापान इन वर्ल्ड कप इन इंडिया। जापान तो मेरा हो चुका है क्वालिफाई मेरे भाई, जापान इज क्वालिफाई टू वर्ल्ड कप मेरे भाई। अभी वो नंबर बिकॉज अभी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुका है, तो हो चुका है मेरे भाई वो। चल 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 चल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे बैकहैंड से भी रिटर्न आया यार, तुरंगा इज रेस्ट है। 30-15 अभी स्कोर चल रहा है। आई डोंट वी कैन ब्रेक देयर सर्व, वी नीड टू विन ओवर ट्राई ब्रेक। मुझे भी वही लग रहा है मेरे भाई, मुझे भी वही लग रहा है। बट लेट्स सी, डू सानिया मिर्जा मैच एट 9:40, देखते हैं मेरे भाई, देखते हैं। इट इट डिपेंड्स ऑन माय, मतलब मूड, इट नॉट डिपेंड्स ऑन माय मूड, इट डिपेंड्स कि नौ चल को, तो सबसे पहली बात मेरे भाई कि नौ चल को तो होने नहीं वाला चालू, सबसे पहली बात तो वो आप मेरे भाई लिख के रख लो। तो या मेरे भाई, इट विल गो टू टाई ब्रेक। नहीं मेरे भाई ना, मुझे डर क्या लग रहा है, वो अगले अपनी सर्विस होल्ड करने में कामयाब होंगे कि नहीं, जो अगले अगली सर्विस में थोड़ा होगा प्रेशर होगा यार। और आई थिंक सो अगली सर्विस रेसी किया कि रामानाथन की, आई थिंक सो रेसी की यार, नहीं रेसी की नहीं, आई थिंक सो अगली सर्विस रामानाथन की है। सो उसको भी अपनी सर्विस होल्ड करनी पड़ेगी, अगर वो होल्ड करने में नाकामयाब रहा तो एकदम वहां पर भी गेम हार सकते हैं। तो मुश्किल तो दोस्तों बहुत ज्यादा है यार, मुश्किल तो बहुत ज्यादा है। चल और ये बाहर, चलो अभी थोड़ा तो थोड़ा सा हम स्ट्रगल करवा रहे हैं, तो अच्छी बात है। और भाई कोर्ट में पत्ते गिर रहे हैं भाई, मैंने तो नोटिस किया। ये देखो एक पत्ता दिखा मेरे को, वो एक हरा कलर का पत्ता था ना मेरे भाई, यार एक पत्ता दिखा, मैं एक पत्ता मैंने नोटिस किया मेरे भाई। या टॉप थ्री विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप इफ इंडिया क्वालिफाई सेमीफाइनल, देन टॉप फोर विल क्वालिफाई, नॉट येट दे विल क्वालिफाई इंडिया क्वालिफाई। देखो जितना मुझे पता है ना, जितना मुझे तो सेमीफाइनल में जाएंगे वो हो जाएंगे ना क्वालिफाई यार। अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाता है तो उसी मेरे भाई कोई तीन टीम क्वालिफाई होगी, जितना दोस्तों मुझे पता है। ब्रो एम ऑन पॉन्ड लेस एनर्जी, जस्ट 40-40 हो गया यहाँ पे स्कोर यार। चलो बढ़िया है, 40 ऑल। इट्स कैम ऑन इन रोनल गैरियो, मतलब मैं समझा नहीं मेरे भाई यार। इट्स कम ऑन, चल 40 ऑल, नॉट ऑल सेमीफाइनल्स ओनली 3 भाई। मुझे तो पीछे बार बताते थे भाई सेमीफाइनल सारे के सारे हो जाएंगे क्वालिफाई यार, तो ये अफवाह मत फैला। अरे माँ कसम, बढ़िया रिटर्न यार, बढ़िया रिटर्न। यहाँ पे दोस्तों हम ब्रेक कर सकते हैं सर्विस यार, बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया। हम गाइस यहाँ पे सर्विस ब्रेक कर सकते हैं, और जो रिटर्न था यहाँ पे यार रामकुमार रामानंदन का डाउन द लाइन स्मैश, बहुत ही बेहतरीन था यार। ये पैरा टेनिस चल रहा है क्या? नहीं मेरे भाई, ये पैरा टेनिस ही चल रहा है, ये नॉर्मल टेनिस है अपना, जो अपना डबल्स का मैच चल रहा है। तो यार ब्रो चल यार, नहीं यार ये अच्छी, ये सर्विस अच्छी थी मेरे भाई, दिस इज द गुड सर्व। तो ज्यादा तो उनको मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज सर्विस तो बहुत अच्छी थी। तो यार अरे मैसेज बंद करना, बंद करो यार, कौन ये मैसेज कर रहा है? ये मेरे टट जो नेट वाले तिकोना वाले बहुत ज्यादा हराम जा रहे हो यार, बहुत ज्यादा हराम जा रहे हो यार। ए बोंडा ए बोन पोंज ले कौन जी जसनोन जो बोले कौन। आहा चल चल चल, एडवांटेज दोस्तों भी उन्होंने ले लिया है, ये तो दिक्कत वाली बात है ना दोस्तों, ये तो हमारी दिक्कत वाली बात है। अभी उन्होंने कैसे ले लिया एडवांटेज, अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह, ये नेट को क्या हो रहा है यार, ये नेट को क्या, ये नेट को मैं स्क्रीन क्यों नहीं हो रही दिख रही। चल स्क्रीन अच्छे से दिख, अरे स्क्रीन उड़ा स्क्रीन उड़ा स्क्रीन उड़ा, अच्छे से दिखो जरा, बढ़िया है। चलो नाउ इट्स परफेक्ट,
देखते भाई क्या होता है यार। मुझे तो भाई मोस्ट लाइकली लग रहा है यार ये ऐसे ही लेके जाएंगे ये वाला गेम भी मोस्ट लाइकली, बिकॉज अभी वो फिर से मौका नहीं देंगे यार। कैन इंडिया क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल इन हॉकी, उसके ऊपर आपको मैं एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सुबह वीडियो दूंगा मेरे भाई, सुबह 9 बजे तक आ जाएगी। पर अगर अभी आपको मैं एक वर्ड में बताऊं मेरे भाई, सो 90% चांसेस है, नहीं 90% चांसेस आर नॉट, वी कैन नॉट क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल 90%। तो बट अभी आपको अगर आपको फुल जाना है मेरे भाई तो कल सुबह आपको देखने मिल जाएगा, तो कल सुबह आप सुबह वेट करना 9 बजे। अभी भी मैं वीडियो अपलोड कर देता बट आलस आलसी हो चुका यार मैं, बहुत आलसी। थंबनेल मेरा हो चुका रेडी पर आलस पना नहीं हो, आलस पना मेरा बहुत जा रहा है यार, तो दैट्स अ वेरी एक वेरी अनोइंग थिंग। आई नो ओटे हियर इज नेम क्वाइट ऑफन ऑन द सर्किट। ओके ओके मेरे भाई, 3 सेट्स ऑफ 5 सेट, 3 सेट मेरे भाई, 3 सेट होंगे बट लास्ट भी लास्ट मेरे ख्याल से जो अपना होता है ना लास्ट अपना टाई ब्रेकर वाला होगा मेरे भाई, लास्ट में जो जो 11 पॉइंट जल्दी स्कोर कर पाएगा वो जीत जाएगा। बट हाँ, बट अगर अगर थर्ड सेट में गेम गया तो, अगर थर्ड सेट में गेम गया तो ऐसा होगा, बट उसके चांसेस मुझे क्या पता, कुछ नहीं कह सकते यार। अभी हम सेकंड सेट में कैसे कर पाएंगे भाई वो भी एक बार देखना पड़ेगा हमको। सो यार लेट्स सी क्या होता है। ओटे का तो नाम भी मैंने भी सुना हुआ, मुझे भी लग रहा है मेरे भाई ओटे का नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर अपना एक सेकंड ना, मोमेंट्स डबल्स से आप है ना, ये मोमेंट्स डबल्स है, एक सेकंड। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा का मैच कितने लेट दिखा रहे हैं उन लोग, मुझे जरा वो एक बार चेक करना है। देखो मिर्जा वाला मैच यार यहाँ पे अभी उन्होंने दिखाया 10 बजे मेरे भाई, उन्होंने अभी अभी क्या शिफ्ट किया, 10 बजे को मैच शिफ्ट किया मेरे भाई 9:55 को। और भी होगा मेरे भाई लेट, और भी होगा लेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस, तो यार और भी होगा ये लेट, बस कुछ कह नहीं सकते, देखते क्या होता है। बिल मिटीडम अरे यार खुल जा, क्या ग्लिच है यार इसके साथ, ये शहर का पहला ओपन ही नहीं होता यार, खुल जा मेरे भाई खुल जा, जो मैच देखना है यार मुझे, थोड़ा स्कोर थोड़ी देखना है, क्या सीन है इसके साथ यार, क्या सीन है। चलो क्लोज विंडो फिर से ओपन कर दिया जाए इसको, चल क्लोज हो जा फिर से ओपन करता हूँ तेरे को अभी मैं, बहुत ज्यादा ही नाटक चल रहा है तेरा। प्लीज डोंट स्टॉप सपोर्टिंग इंडियन हॉकी, स्टॉप सपोर्टिंग इंडियन हॉकी, इफ वी सी आर लाइन अप अगेन जापान वी प्लेड आर सी स्क्वाड ऑलमोस्ट ऑल प्लेयर्स आर ओनली लाकर एंड डिसिजनल सीनियर इवन सिमरन जी डोंट प्ले। अरे भाई ये कोई नहीं करेगा यार, अगर हम इंडिया को हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो और कौन करेगा, तो डोंट वरी मेरे भाई डोंट वरी यार। और मैंने तुमको पहले ही बोला था कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखो मत यार, बिकॉज बिकॉज गेम टाइम नहीं था, जो अपने प्लेयर है बहुत सारे हमारे यंग प्लेयर्स है जिन्होंने भाई डेब्यू किया था यार, अपने 12 प्लेयर थे जिन्होंने अपने सेकंड इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे जो जापान के सामने, 12 प्लेयर ऐसे थे मेरे 12 प्लेयर। और मैं तो भाई ये जॉब की बोला ना लाखरा और एसवी सुनील, उनका भी मैं मानता नहीं, बिकॉज उन्होंने भाई मेरे ख्याल से उन्होंने एक एक साल बाद मैचेस खेले ब्रो, एक एक साल साल बाद उन्होंने मैचेस खेले मेरे भाई ओलंपिक के बाद। तो भाई उनके पास भी इतना, उनके पास भी मेरे भाई इतना गेम टाइम था नहीं, सो मतलब इट्स वेरी हार्ड यार। हम तो बोल तो देते भाई हमको ये जीतना चाहिए था, बट हमको देखना चाहिए यार कि क्या है, व्हाट इज द पास्ट, व्हाट इज द हिस्ट्री, क्या सिचुएशन थी हमारी, उसके ऊपर मेरे भाई हमको जीए करना चाहिए यार, करना चाहिए जज। तो यार तो है मेरे भाई, तो ही वो फेयर होता है जजमेंट। अरे चल चल सोनी 10-3 आ जा, थोड़ा ये दिक्कत दे रहा है यार, ये मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा सोनी 10 जियो टीवी लैपटॉप का थोड़ा यही सीन होता है यार, थोड़ा ना वो लैग करता रहता है, पर चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको कुछ तो मैच देखने मिल रहा है भाई, उसमें से हम खुश है, बिकॉज 1000 रुपये भरने की तो मेरी औकात नहीं है सोनी जी को, 1000 रुपये 1000 रुपये सुन के मेरी फटके आदमी आ गई। के पैड यार इनका लफड़ा बहुत ज्यादा होता है, रे देवा चला चला लवकर चला। नॉट परफेक्ट, चल चल 30 ऑल।
30 ऑल चल रहा है अभी, और अभी हमको गाइस अगर कुछ करना है तो गाइस अभी हमको ये सर्विस होल्ड करनी पड़ेगी यार। अगर उस हमको मैच को अगर हमको गाइस मैच में बने रहना है गाइस तो हमको गाइस सर्विस होल्ड करनी पड़ेगी। एंड वो गाइस मुझे मुश्किल ही लग मुश्किल तो नहीं लग रहा है, तो होल्ड तो कर लेंगे बट क्या कुछ कह नहीं सकते यार, कुछ नहीं कह सकते। देखो अभी रामानाथन की सर्व है, जैसे मैंने बोला था आपको कि रामानाथन सर्व करेगा, एंड अभी अगर उनको सिर्फ एक पॉइंट यार ये साइड ले जाने के लिए, तो यार ब्रेक पॉइंट कैसे कैसे कैसे, और ये अच्छी सर्विस, अच्छा रिटर्न भी आया होगा। ये बाहर है, अंदर है, ये बाहर है गाइस। चलो बढ़िया 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 बढ़िया, मां कसम एक अच्छा फिनिश का मौका था यहाँ पे यार, और उसने बाहर मार दिया दोस्तों, उसने बाहर मार दिया। वो कहीं पे भी मार सकता था उसका ओपोनेंट, बट उसने सीधा बाहर मार दिया। वो बैक कोर्ट को जो थोड़ा पीछे मारने की कोशिश कर रहा था, वो थोड़ा फोर्स ज्यादा लग गया उसमें। तो यार मुझे मेडिटेशन से कोई फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या क्या करूं, मेडिटेशन छोड़ दो। भाई कौन बोलता है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए यार, सबके लिए अलग अलग चीजें होती है मेरे भाई। किसके लिए भाई, जैसे मेरे लिए मेडिटेशन स्पोर्ट्स है, मेरे लिए मेडिटेशन है दोस्तों से बात करना, साइकिल चलाना, मेरे लिए मेडिटेशन है वॉक करना। तो मेडिटेशन इज नॉट ओनली अबाउट टू आप बैठो और आंखें बंद करो, ये थोड़ी होता है मेरे भाई। आप सिर्फ जाकर आप ऊपर आता भैया क्या क्या उसको बोलते हैं, आपका क्या बिल्डिंग में होगा क्या उसको बोलते हैं, बिल्डिंग या फिर घर में टेरेस होगा वहां पे आके बैठो यार, वो भी है मेरे पे मेडिटेशन। तो मेडिटेशन इट्स अपॉन टू पर्सन टू पर्सन मेरे भाई। तो यार मेरे भाई, और जैसे अपने स्पेक्टेटर्स भाई आपको थोड़ा और इसके ऊपर बताते थे, बिकॉज वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पिछले बार बताया था मेरे को, तो यार थोड़ा उनके आसपास ये तो आपको और हेल्प कर सकते मेरे भाई। हाँ बढ़िया, ये एस नहीं नहीं ये एस नहीं है, मैच गेम पॉइंट तो भी हमको मिल चुका है, पर इस गेम पॉइंट का हम कोई फायदा उठा पाते कि नहीं गाइस, वो जरा देखना पड़ेगा। सर्विस यार डबल फॉल्ट, यही यही मोमेंट पे तो नहीं आती, ये आना चाहिए ना यार, डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट मत करो यार, डबल फॉल्ट मत करो प्लीज प्लीज डू डोंट डबल फॉल्ट यार, कम ऑन कम ऑन यार कम ऑन। चलो देखते क्या होता है अभी, लेट्स सी। I want a ponder like on a Jesus and all a bojo back on a Jesus flag oval flag Lenin flag। चल चल बढ़िया है बढ़िया है, तीन सर्विस उनकी भाई अभी लगातार हो चुकी है एरर, अगर ये भी हो गए तो गाइस उनको मिल जाएगा ये सेट पॉइंट। एंड दोस्तों हमको वो गाइस बिल्कुल भी देना नहीं है, कम ऑन रामानाथन, एक एक आसान थी सर, और एक बहुत ही बढ़िया एक खराब रिटर्न यहाँ पे आया था यार, उसका फायदा उठाया रेसी ने, और नेट के सामने उसने गाइस फिनिश कर दिया। एंड नाउ गाइस वी हैव एडवांटेज एंड वी कैन क्लोज दिस गेम यार, फटाक से जितना जल्दी उसे गेम खत्म कम गाइस कर सकते हो तो जल्दी अच्छा होगा हमारे लिए। चलो दोस्तों यू आर ऑब्सेस्ड विद द वेविंग फ्लैग, भाई मैं क्या ही बोलूं यार भाई, मतलब देखो यार, मतलब वो अच्छा नहीं ठीक है वो गाना अच्छा है, मैं ऑब्सेस्ड तो हो चुका हूँ मेरे भाई। चल मतलब वो वक्का वक्का, मैं ये एक गाना सुनता हूँ वक्का वक्का है मेरे भाई, वो भी मैं सुनता रहता हूँ अच्छा वक्का वक्का, वो भी मुझे पसंद है। बड़ी विविंग फ्लैग थोड़ा एक अलग ही, मैं भाई आज सुबह वही देख रहा था, सुबह से लेके मेरे फोन के इंटरनेट पे मैंने उसका जो लाइव कॉन्सर्ट है उसका म्यूजिक है ये सारी चीजें ढूंढ ली मेरे पास यार। हु डू यू थिंक इज द बेस्ट टेनिस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, अरे देखो जिसको मैंने देखा है, मैं तो राफा को देखा तो मुझे राफा पसंद है, मैं तो बोलूंगा ना मुझे जो अच्छा लगता है वो है मेरे भाई अपना इंजरी से पहले वाला, अपना क्या उसका नाम है यार उस बंदे का, या भैया तो हमने कही गेम तो जीत ही लिया बहुत अच्छी बात है। अरे यार उसका नाम कैसे भूल जाता हूँ यार, शिट यार मैं अपने देखो मैं अपने फेवरेट प्लेयर के नाम नहीं याद रख पाता यार, आपको लग रहा होगा ये नाटक कर रहा है, बट मैं नहीं यार मुझे नाम नहीं याद रहते, जबान पे नाम है उसका यार, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कौन है 2016 का, एंडी मरे, फेडरर तो भाई उसको तो फेडरर नहीं, एंडी मरे मेरे भाई। फेडरर तो भाई अगर मैं 40 जो जो अभी फेडरर जो जो मैं कुछ साल अगर एंडी मरे भाई वो तो भाई मतलब क्या ही बोलूं यार, सरीना शारापोवा एंड फेडरर, ओके आई लाइक सरीना शारापोवा मेरी भाई, वुमेन्स में आई डोंट नो यार, सरीना विलियम्स भी अच्छी है यार, पर शारापोवा से एक अलग ही था मेरा यार कनेक्ट, अलग ही था यार कनेक्ट। 2012 में भी गोल्ड था अमेरिका यार, मतलब उसको देखा है, मतलब ज्यादा नहीं देखा उसको खेलते बिकॉज टीवी का तो हमारे पे क्या ही बोलूं मैं, पर जितना भी उसके मैंने डीडी स्पोर्ट्स पे मैचेस देखे मुझे वो बंदा बहुत पसंद आया, उसके बाद से वो न्यूज में नहीं था, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, फिर अब तो उसको फिर मैं जब अभी अभी मुझे पता चला कि उसको इंजरी हो गई थी यार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसके से वो था नहीं, दैट्स अ वेरी सैड यार।
उसके पास ग्रैंड स्लैम आई थिंक तो 3 ग्रैंड स्लैम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस, ही हैज 3 ग्रैंड स्लैम। चलो 30 15 और ये तो भाई अपनी सर्विस होल्ड कर देंगे यार, मर मर के करेंगे पर कर देंगे। ये देखो बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे सामने से नेट के पास से यहाँ पे किया है, बहुत ही खराब यार, बहुत ही खराब। आसान आसान जगह दोस्तों ये चांसेस छोड़ दे रहे हैं यार, आसान आसान से चांसेस छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। ओटे और अल्टीमेट जस्ट लाइक अ वेव इन फ्लैट एक ना इसका ना हम चल 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 कहाँ गया यार, कहाँ गया। नेट हु कुड विन इंडियाज नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम, हु कुड विन इंडियाज नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम। मगर अब किस में, सिंगल में बात करो या फिर डबल्स में बात करो मेरे भाई, ग्रैंड स्लैम एंड वेन। भाई मुझे तो भाई नहीं लग रहा है आसपास, तो भाई अभी तो जितने भाई सिचुएशन देख पा रहा हूँ मैं, सॉरी टफ यार, सॉरी टफ मेरे भाई। ओ होप तो कोई भी नहीं ना भाई, किसको बोलेंगे यार, ना ड, 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 डबल्स में लग रही है ना सिंगल्स में लग रही है यार। मुझे ना सुमित नागल से ऑफ कोर्स वो ग्रैंड स्लैम की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी यार, ग्रैंड स्लैम की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी सुमित नागल से। बट मुझे लगता था शायद से वो 250 जीत जाए, शायद से 500 कभी कभार, कभी कभार एक आधा कोई जीत जाए कंसिस्टेंटली, वो शायद से अपना ग्रैंड स्लैम खेल जाता था, इसकी एक उम्मीद थी। और वो उम्मीद अभी चकना शुरू हो चुकी है यार। मिहिर भाई कल इंडिया से दिनों वॉच अलॉन्ग होगा, अरे भाई नेट अच्छा रहा तो पक्का होगा यार, सिंगल पागल हो गया। नहीं ग्रैंड स्लैम जीतने की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं सिर्फ पार्टिसिपेट करने की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पार्टिसिपेटिंग। जीतना तो भाई दूर दूर की बात है यार, जीतना तो मतलब जीतना तो भाई सुमित नागल से भी उम्मीद नहीं मेरे भाई। तो यार यूरोपियन कंट्रीज आर मच वीकर देन इंडिया व्हेन इट कम्स टू आर्चरी, इतना भी वीक नहीं ना मेरे भाई, इतना भी वीक नहीं। अगर आप देखोगे, अगर आप नेदरलैंड देखोगे मेरे भाई, नेदरलैंड इंडिया तो 26-0 से जीतेगा नहीं मेरे भाई। जब आपके ऊपर होता है ना प्रेशर, होता है ना प्रेशर, जब वो 15-16 गोल स्कोर करने होते मेरे भाई, तब ना बहुत सारे स्कोर दिखते नहीं है। बट कल हम उसके पहले वाला भी मैच करेंगे यार, नेदरलैंड जर्मनी को देखो यार मेरे भाई, नेदरलैंड जर्मनी और एस्टोनिया कौन सी कंट्री है मेरे भाई, एस्टोनिया, एस्टोनिया के रिकर्व में अच्छे खेलते हैं ना उन लोग, रिकर्व या कंपर्व जितना मैंने देखा था, उनकी वुमेन्स प्लेयर बहुत अच्छा है। ये पहले सबसे पहले मैं ओके एस्टोनिया भी यूरोप में ही आता है मेरे पास। तो यार देखो ओवरऑल मे बी बट नॉट इन सेम फील्ड, ओके ओके मेरे भाई। हाँ चल चल ओके एस्टोनिया कंपाउंड मैन में ओपी है यार ब्रो, कंपाउंड में ओपी है। अभी एल्डर मैन ओटे को एडवांटेज मिलता हुआ, और अभी हम गए थोड़ा टची फाइट दे रहे हैं यार, तो वो गए हमारे लिए अच्छी बात है। रमेशन रसिक भी अच्छी फाइट दे रहे हैं, तो वो देख के मुझे अच्छा लगा, और ऐसी फाइट हम देते रहे। तो क्या हो रहा है यार ये मैसेज, मैं अपना फोन ही बंद कर देता हूँ करना, मेरा ना ये मैसेज मेरा दिमाग खा रहा है। चल नीचे नीचे हो मेरा फोन, चल नीचे नीचे जा, बढ़िया आगे आके बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया दोस्तों फिर से भी आ चुका है दोस्तों ड्यूज, बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा आगे आके गेम खेला फिर रामकुमार रामानाथन ने, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। स्पेशली वुमेन्स कंपाउंड में मेरी मैरी पेट्साल लिजेली एक्सेट्रा, या मेरी पेट्साल के बारे में आपने बताया आपकी वो फेवरेट प्लेयर है, आपने पिछले बार मुझे बताया था ब्रो। एस्टन इज अ गुड ईयर बट ओनली दिस ईयर ड्यू टू ब्रदर सिस्टर जतमा नॉट बिफोर दिस ईयर, ओके 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 ठीक है मेरे भाई। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अच्छा है क्या आर्चरी में, ऑस्ट्रेलिया तो न्यूजीलैंड तो नहीं लगता मेरे को, न्यूजीलैंड का मैंने प्लेयर देखा नहीं, ऑस्ट्रेलिया मैंने कुछ प्लेयर देखे मेरे भाई, पर अच्छा की बात नहीं करूंगा मेरे भाई, मैं अच्छे की इतनी बात नहीं करूंगा। न्यूजीलैंड तो भाई मुझे तो दिखाई नहीं यार, न्यूजीलैंड तो मेरे भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे भाई, न्यूजीलैंड मुझे इस बार कहीं दिखाई नहीं वर्ल्ड कप स्टेज वन स्टेज टू। अरे बढ़िया चलो एक आधा प्लेयर होगा तो होगा, चल 40 ऑल गाइस 40 ऑल बढ़िया है। लास्ट ईयर दे है गुड जूनियर, ऑफ कोर्स यार जूनियर के बाद आप अच्छा करते हो तो वही तो बात होती है ना मेरे भाई, कि उन्होंने जूनियर के बाद अच्छे से वो डेवलप हो गए। और
अरे भाई ये गेम कहाँ तक जाने वाला है मेरे भाई, ये गेम कहाँ तक जाने वाला है यार, ये एडवांटेज और ड्यूज के बीच में ही चल रहा है भाई, एडवांटेज और ड्यूज के बीच में ही चल रहा है, और देखने में मजा आ रहा है मेरे भाई, देखने में मजा आ रहा है। क्या है, कौन सा परफ्यूम लगाया मैंने यार इतना अच्छा, ये सैनिटाइजर की बात है। ऑस्ट्रेलिया तो ओलंपिक मेडल, अगर इस साल की बात करो मेरे भाई, इस साल तो मुझे नहीं याद आ रहा मेरे भाई, मैंने तो चेक किया था गोइंग टू ट्राई करके, वो तो भाई पक्की बात है यार, इस साल मैंने जितना चेक किया था मेरे भाई, इस साल आई एम नॉट श्योर कि उनको मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला, मतलब कोई मेडल मिला है इस ये वाले में। नॉट डी सर, ओके ओके ठीक है ठीक है, इंडिया कैन विन ओलंपिक मेडल इन आर्चरी इन टीम इवेंट, ओके ओके देखते हैं मेरे भाई। यार भाई ना मैंने कोई उम्मीद रखना छोड़ दिया है मेरे भाई, मैंने ना मेरी जिंदगी है ना मैं आराम से जीना चाहता हूँ ब्रो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहता हूँ, तो यार मेरे भाई कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, इफ यू कैन अवॉइड कोरिया यार, ऑफकोर्स देखते हैं मेरे भाई क्या होता है। ओके ओके ठीक है ठीक है यार, कैसा ना मेरे भाई यार, क्या ही बोलो अभी यार, मैं ना एशियन कंट्रीज आर गुड इन आर्चरी इन माय कंट्री, ऑफ कोर्स यार, आप यू आर यू हिट द नेल मेरे भाई, यू हिट द नेल, इतने भी यार दे आर नॉट दैट बैड यार, अगर आप देखोगे यूरोपियन भी इतना खराब नहीं है मेरे भाई, तो यार हम इसको तो भूल ही गए मेरे भाई, तो क्या उनका नाम है, टर्की, अगर 8 सीड मिली तो टोक्यो में भूल जाओ भाई यार, आर्चरी में मैं क्या ही बोलूँ, पूरे तो ठीक है यार, बट आर्चरी में हम किसको भी हल्का नहीं ले सकते मेरे भाई यार, बिकॉज वो इतना ऐसा स्पोर्ट है भाई, किसी दिन भाई किसी किसका दिन अच्छा होगा तो भाई क्या ही पता, वो सारे के सारे 10 10 ठोक के हमको मेरे भाई हरा दे, सो इट्स वेरी मतलब बहुत मतलब उसपे मतलब इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल मेरे भाई यार, वो स्पोर्ट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, सो या। और चलो मेरे भाई राम को रामाना तो ना रेस्क्यू, ये वाला गेम भाई यार निकाल लो मजा आ जाएगा, ये वाला गेम निकाल लो यार मजा आ जाएगा फिर। And on your pond, let's on it, just tell all I get to back on it, and कोरिया को टीम में नहीं हरा सकते, कोरिया को टीम में नहीं हरा सकता भाई, भाई इस बार बात तो आपकी भी सही है मेरे भाई, बट यार भाई कुछ थोड़ा बहुत अच्छा तो सोच ही लेते हैं मेरे भाई यार, चलो हम फील्ड में नहीं हरा पाते मेरे भाई, तो हाँ बट तो अभी आपने ही बता दिया, 1000 में एक बार तो हरा सकते हैं ना मेरे भाई, तो एक बार भाई ओलंपिक में आ जाए ब्रो मेरे भाई यार, वो एक बार मेरे भाई ओलंपिक में ही आ जाए, नॉट बट नहीं यार ऐसा नहीं सोचूंगा, बिकॉज मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ और हमेशा मैं हक देता हूँ यार, हमेशा मुझे दुख आ जाता है मेरे भाई। इंडिया की मेन टीम नेक्स्ट कब खेलेगी, अपना खेलेगी अगला एफएस प्रो लीग मेरे भाई, भाई 12 तारीख से हो जाओ शुरू, मजा आने वाला है, क्या होता है, और एक दोस्त हिस्ट्री आ सकती है यार, जवाब देना भाई, अरे अपना नेक्स्ट टूर्नामेंट अपना इंडोनेशियन मास्टर्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगले महीने में मेरे पास, तो यार 40 लव, चलो गाइस रामानाथन और रेसी अपना ये वाला गेम तो गाइस जीत ही जाएंगे, और उसे गेम जाएगा टाई ब्रेकर में, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एक सेकंड मेरे भाई एक सेकंड, डेट तो डेट आई थिंक 8 तारीख से ना मेरे भाई, 8 तारीख से अपने इंडोनेशियन मास्टर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 तारीख से मेरे भाई, 8 तारीख से, सो या ब्रो यू कैन वॉच इट ऑन स्पोर्ट्स 18, क्या ब्रो चल बढ़िया बेहतरीन, अरे बढ़िया रामू क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, हाँ ये बाहर मार दिया, ये बाहर मार दिया, बाहर मार दिया, बाहर मार दिया, ओपन भी है मास्टर्स के अलावा, ऑफकोर्स सर मास्टर्स और ओपन दोनों ही होने वाला है, और लक्ष्य सेन खेला कि नहीं भाई अभी नहीं बात करेंगे उसके ऊपर यार, अभी हो खेल रहा होगा तभी भी आपको मैं इतना जल्दी बताऊंगा नहीं यार, वो कोविड या इंजुरी कुछ भी मेरे भाई हो सकता है, आई थिंक वो इंडोनेशिया ओपन में मास्टर्स में आई पान, मुझे नहीं पता है कि नहीं, क्या मेरे भाई देखना पड़ेगा एक बार, है आई थिंक तो वो है यार क्या पता, और मैं इतना जल्दी चेक भी नहीं करता यार, मैं इतना जल्दी चेक भी नहीं करता बस, ये बाहर मार दिया, ये बाहर मार दिया, चलो गाइस एंड नाउ वी आर गोइंग टू द गाइस, जो भी संजय भाई ने बोला था कि ये जाएगा टाई ब्रेकर में, तो यार दोस्तों हम जा रहे हैं टाई ब्रेकर में, मजा आएगा, ओके बाय, कहाँ पे जा रहे हो भाई, कहाँ पे जा रहे हो भाई, कहाँ पे जा रहे हो, वैसे मैं भी जा ही रहा हूँ यार, एक सेट देके मैं भी जाऊंगा ऐसा सोच रहा हूँ मैं, देखते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं कि मजा नहीं आ रहा है देखने के लिए, मजा तो आ रहा है बट थोड़ा काम है रे, देखते हैं काम अगर हो जाए तो मैं फिर से आ जाऊंगा थर्ड सेट के लिए, वरना सेकंड सेट देख के जाएंगे, सेकंड सेट वाला देख के जाएंगे,
चल आ वाह कसम, बहुत ही बढ़िया स्मैश यार, डाउन द लाइन अभी पे आता हुआ फ्रॉम गाइस ओटे ओटे। अरे बाबा बाबा स्कोर देखो इसमें यार, और बराबर उसका ये उसका करेक्शन भी उसने बराबर से उसने देख के मारा। तू जो नजरों के सामने मैं होता गया। चल 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 बढ़िया। अच्छा क्रॉस कोर्ट, बहुत अच्छा 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 रामक रामन रामकुमार रामन ने अच्छे से टारगेट किया यार, ये वाले शॉट में जो आगे खड़ा था बंदा का उसके उसके उधर मारा, और उसके उसके ऊपर बराबर जो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया यार। क्या गाइस दैट्स वेरी स्मार्ट थिंग फ्रॉम रामक राम रामकुमार रामानाथन। मेन्स एंड वुमेन्स बोथ, किसकी बात करो या मेरे भाई ने अपना सारा का सारा होने वाला है, सारा का सारा होने वाला है मेरा भैया, मेन्स एंड वुमेन्स का बोथ का होने वाला है अगले महीने में। तो चार मैच अच्छे, चार भी नहीं यार 8 मैच मेरे भाई, भाई कसम मजा ही आ जाएगा ब्रो यार। हाँ हाँ हॉकी इज कमिंग, मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों। हॉकी मेंस और वुमेन्स अगले महीने में सब होगा यार अपना, बिकॉज अभी अपना जून में खत्म हो जाता है ना अपना प्रो लीग, अभी वुमेन्स के भी जितने मैचेस बचे मेरे भाई सारे के सारे होंगे, तो मजा आ जाएगा। इट विल बी अ फन। बढ़िया डाउन द लाइन, बढ़िया डाउन द लाइन रामू, बढ़िया बढ़िया। 2-1 गाइस 2-1, चलो अच्छी बात है। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज कंफर्म फॉर इंडिया इन एफएल प्रो लीग, बट फुल मिलता है, अरे ब्रॉन्ज मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता यार, बिकॉज जितना लीग का जितना मुझे मतलब पता है ना मेरे भाई, आई डोंट नो अबाउट दैट यार, कि ब्रॉन्ज मिलता है कि नहीं मेरे भाई यार। बिकॉज स्टार्टिंग में ही मिला था मेरे भाई, बिकॉज लीग का मतलब क्या होता है, जो जो नंबर वन पे आते हैं वो मेरे भाई लीग जीत जाते, जैसा तो जैसा ये होता है मेरे भाई यार प्रीमियर लीग, इट जस्ट लाइक दैट यार, जो जीतेगा उसको ही मिलेगा कुछ मिलेगा, वो सेकंड थर्ड को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए बस, ये मेडल मिलेगा मुझे नहीं पता मिलता है कि नहीं, और ऐसा तो मुझे कहीं तो देखने मिला ही नहीं मेरे भाई, तो मैं तो भाई यही पकड़ के चलूंगा, तो भाई मेडल तो मिलने नहीं वाला अगर हम थर्ड पे फिनिश करेंगे। तो यार ब्रो पावा जी बनू तुझ मैनू ना रोके तेरे डोल जुदाइया। बढ़िया यार बढ़िया, यहाँ पे नेट के सामने खेला बहुत ही बेहतरीन, और एक अभी पॉइंट मिलेगा। 2 ऑल गाइस 2 ऑल। तू काला जोड़ा आके बेके रंग दे, तू काला जोड़ा पा तू में के रंग दे। चल बढ़िया है, कुट्टी मोहब्बत में, ओ बढ़िया रामू, अच्छा उठाया भी आप यार उठे ने। चल बहुत ही बेहतरीन खेल रहा है यार दोनों प्लेयर, अपने रामानाथन भी और क्या यार एचसी भी कैसे अच्छा खेल रहा है, तो क्या पता दोस्तों हम फर्स्ट सेट गए हम ही उठा ले दोस्तों, क्या पता ऐसा हो जाएगा इसके पहला गेम गए हम ही उठा ले। लास्ट एडिशन में भी ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी को सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मिला था, उनको क्या ऐसे मेडल पहना पहना तो मेरे भाई आपने देखा था मेरे भाई, सबसे पहली बार मुझे वो मुझे बताओ यार, क्या उनको मेरे भाई आपको सब ब्रॉन्ज मेडल देते हुए सिल्वर मेडल देते हुए आपने मेरे भाई देखा था क्या, उसका वो ऐसे दिखाया था मेरे भाई टीवी पे, अगर हाँ दिखाया था तो आप मैं विश्वास मेरे भाई कर सकता हूँ। तो या हाँ तो यही तो बात है ना मेरे भाई, यही तो बात है, यही तो बात है ब्रो, सो हाउ कैन यू से दैट कॉन्फिडेंटली यार कि सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलता है। सौमिक भाई वेलकम, सौमिक भाई अथर्व भाई वेलकम वेलकम। कल को हॉकी मैच देखा क्या यार मेरे भाई, कल मैंने मैच देखा यार बट मैं लाइव वॉच नहीं कर पाया, नेट नहीं था ना मेरे भाई। अरे माँ कसम यार ये क्या हो गया, इतना ज्यादा रेज क्यों मेरे भाई, इतना ज्यादा रेज क्यों यार, या मेरे भाई इतना ज्यादा रेज की कोई जरूरत नहीं थी मेरे भाई, इतना ज्यादा रेज की कोई जरूरत नहीं थी, बट ये तो नॉर्मल ही है यार, तो नॉर्मल ही है, तो कोई मराठी मूवी है, कोई तो मराठी मूवी है यार, देखनी पड़ेगी एपिसोड, ये सीजन है कोई तो पेट पुराने करके। ये फर्स्ट राउंड है यार मेरे भाई, ये मेरे भाई फर्स्ट राउंड है मेंस डबल्स का मेरे भाई, अपने रामानंद का मेरे भाई फर्स्ट राउंड होने वाला है, तो देखते हैं क्या करते हैं वो फर्स्ट राउंड पार कर पाते कि नहीं।
इसका जरा आवाज कम कर लो यार, तेरे इसका तो जरा आवाज कम कर लो, बढ़िया है ना कुछ? आज भूख बहुत लग रही है यार। आ हाँ बढ़िया बढ़िया भूख लग रही है आज, क्या पता आज खाने में क्या मिलेगा, देखते हैं। और 10 लाइक, वाह 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 दोस्तों, 10 लाइक हो भी गए, बेहतरीन। कैसे भी और एक लाइक कर दो तो हमारा 11 का तो शगुन हो जाएगा, देखते क्या होता है। ये पहली सर्विस, चल ठीक है, पहला अनपोज है अभी यहाँ पे आता हुआ। अरे बहुत अच्छा यार, बहुत ही बढ़िया। कैसी कैसी नहीं रैसी, उसका नाम है तो यार मेरे में रैसी, बढ़िया बढ़िया भाई। कल 2 बजे तक प्रैग का परा का गेम देखा, क्या मैच्योरिटी के साथ खेला। 3 बजे तक कल फिर क्लास 11 का एग्जाम देना गया 8 बजे। ओके 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 ठीक है मेरे भाई। अरे स्पेक्टेटर्स भाई यार स्कोर मत बताओ मेरे को यार, मेरे लिए पूरा स्पॉइल हो जाता है मेरे भाई तो यहाँ, बिकॉज मेरा पे बहुत पीछे चल रहा है अभी, मेरे पे 5-2 ही चल रहा है तो यहाँ थोड़ा स्कोर मत बताया करो मेरे को, फिर मेरा ना वो एक्साइटमेंट लेवल मेरी मर जाती है। स्विगी कर लो भाई, इतना पैसा नहीं मेरे पास कि मैं स्विगी कर लूँ यार। अरे घर पे मम्मी है ना यार, कोई नहीं। 6-2 चल बढ़िया है, टाई ब्रेक पॉइंट। इट्स नॉट लाइक इंडिया विनिंग एशिया कप इन हॉकी विल इंक्रीज आवर प्रोस्पेक्ट फॉर वर्ल्ड कप टू बी ऑन। ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स मेरे भाई, ये हारे जीते तो कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल से यार, तो कोई मतलब नहीं है, बस अपना 100% है वो मैटर करता है। फिर अगर हार भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यार उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। मुझे लगा बाहर था वो रिटर्न, नहीं ठीक ही था यार, इट वाज क्लोज मेरे भाई, इट वाज क्लोज। चल 6-3, रामनाथन रामनाथन कैसा ड्रेस भी थोड़ा व्हाइट कलर का पहना तो थोड़ा दोनों देखने में अच्छा लगता है मेरे भाई, ये ग्रे कलर का। किसने भी भाई एक ही नहीं व्हाइट पहना है। चल चल चल, आ बढ़िया यहाँ पे यार, बहुत ही बेहतरीन नेट के। ये बाहर है, ये बाहर है, मां कसम ये भी बाहर है। क्या ही कर रहा है यार रेसी मेरे भाई, क्या कर रहा है रेसी यार, क्या कर रहा है। मुझे यार मुझे लगा आराम से फाइंड कर लेगा अपना बैक कोर्ट में, बट नहीं, वो क्या ही बोलूँ यार, मैं क्या ही बोलूँ यार भाई। रेडी फॉर यूसीएल फाइनल, ऑफ कोर्स यार रेडी तो हूँ, बट अभी भी 4 दिन है मेरे भाई, अभी भी 4 दिन है, देखते क्या होता है। लेट्स सी, लेट्स हो, हॉकी एशिया कप इज लाइक क्रिकेट एशिया कप यार ब्रो, जीत गए, देखते मेरे भाई क्या होता है यार। 6-4 तो भी स्कोर चल रहा है, लेट्स सी हम जीतते कि नहीं। कम ऑन रामू यार, कम ऑन रामानाथन, आ बढ़िया रामू, वाह वाह क्या ही सब यार, क्या ही सब, परफेक्ट एस टू एंड दिस सेट यार। और इसी के साथ दोस्तों 7-4 से हमने पहला सेट जीत लिया है, 7-6 से हमने पहला सेट जीत लिया है, तो यार चलो बढ़िया है। नाउ दोस्तों अभी हम गाइस अच्छे से बातें कर सकते हैं, थोड़ी गाइस अभी हम बातें कर सकते हैं, चलो लेट्स टॉक। आओ गाइस चलो अभी थोड़ी गाइस बातें कर ली जाए। अरे कितना कितने घंटे मैच चला है, 1 घंटा 8 मिनट, और मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था, 1 घंटा 20 मिनट पहला सेट चला। इंडिया वुमेन्स टीम 6 पर है इन रैंकिंग, बेस्ट एवर, गुड न्यूज फॉर वुमेन्स हॉकी इन इंडिया। यार रैंकिंग ना यार, कभी भी आपको ना रैंकिंग एक अच्छी इमेज दिखाती नहीं मेरे भाई, पर फिर भी यार चलो ठीक है, होप कि वो और अच्छा करे। नाउडेज ग्रैंड स्लैम विक्ट्रीज मैटर मोर देन डेविस कप, नाउडेज ग्रैंड स्लैम विक्ट्रीज मैटर देन मोर देन डेविस कप। ऑफ कोर्स यार ग्रैंड स्लैम तो मेरे वो हमेशा ही था, ग्रैंड स्लैम इज ग्रैंड स्लैम ना मेरे भाई, तो यार डेविस कप भी इंपॉर्टेंट है बट ग्रैंड स्लैम इज ग्रैंड स्लैम ना मेरे भाई। भाई अल्करेज और नडाल हु विल डोमिनेट भाई, ये ना यार क्या पता यार, क्या पता मेरे भाई, मैं तो चाहता हूँ कि नडाल अच्छा खेले, बिकॉज मैं उसका फैन हूँ मैं यार, तो मैं तो चाहूंगा कि वो अच्छा खेले, पर देखते क्या होता है। रेसी तो हीरो लग रहा है, ओके ओके रेसी हीरो लग रहा है आपको, ओके ओके मेरे भाई। सोल फैन साहजी साहिल जी, जस्ट लाइक द वेव इन फ्लैग। और भी बहुत सारे दोस्तों इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस आइडियाज दोस्तों मैंने शूट कर तो करके नहीं रखे, शूट करने बट आपको दोस्तों मिल देखने मिल जाएंगे, थोड़ा 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 सबर करोगे तो ये आपको सब मिल देखने मिल जाएगा भाई। इंडोनेशिया मास्टर्स के मेन सिंगल में ऑल टॉप 5 प्लेयर्स प्लेइंग, लीजा इज बिकम वर्ल्ड नंबर 5 भाई। भाई इंडोनेशियन मास्टर्स में मेन के ऑल टॉप प्लेयर्स प्लेइंग इन लीजा इज बिकम वर्ल्ड नंबर 5, वो तो मैं बट रैंकिंग में तो 6 दिखा रहा है मेरे भाई यार, रैंकिंग में तो मेरे भाई वो 6 दिखा रहा है जितना मैंने भाई चेक किया।
अभी से मैंने जिस दिन आपने आप मुझे बोला था मेरे भाई, उसी दिन मैंने जाके चेक किया था, तो उस दिन ना अभी अभी मेरे भाई वो 5 पे आ चुका है। तो यहाँ पर अभी मेरे भाई वो 5 पे आ चुका है, तो ठीक है। तो चल 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 भाई, हाउ मेनी गोल्स डू यू थिंक इंडिया विल स्कोर अगेन इंडोनेशिया टुमारो? भाई मैं बोलू 10-12, 10-12, वो भी भाई मुश्किल भाई यार। देखो जब आपके ऊपर प्रेशर होता है ना यार, बिकॉज अभी समझो कल जापान ने आ रहा है पाकिस्तान को 4 गोल से आ रहा है, शायद से इसे कम भी आ रहा है, इससे जितने भी ज्यादा, बट एक अराउंड फिगर पकड़ के चलते 4 से आ रहा है, तो उनका गाइस स्कोर लाइन हो जाएगा उनके 14 गोल से भी वो आगे, 14 का गोल डिफरेंस है वो हो जाएगा 10 का। और अगर हमको उनके आगे जाना है तो 11 प्लस माइनस से हमको 14 गोल करने पड़ेंगे, तो हमारे सर पे 14 से 15 गोल का गाइस ये होने वाला है, होने वाला टेंशन कि हमको गाइस 15 गोल करने पड़ेगा अगर हमको सेमीफाइनल में जाना है। और जब आप ऐसे सोच के उतरते ना मेरे भाई, तो मैं क्या ही बोलूँ मेरे बोला, मतलब फिर भाई अगर 4 गोल भी हो जाए मेरे भाई तो मैं शॉक हो जाऊंगा। बस ऐसा होता है यार, जब आप एक एक किसी टेंशन के साथ आते हो ना मेरे भाई, तो थोड़ी ये दिक्कत थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है मेरे भाई। यार ये अगर अपना पहला मैच होता ना मेरे भाई, तो मैं आराम से आंखें बंद करके बोल देता कि 10 से ऊपर गोल होने ही वाले, बट अभी मैं ये अभी नहीं कह सकता, बस अभी हम प्रेशर के साथ खेलेंगे यार। तो यार मेरे भाई, या मेरे भाई डिपेंड का वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए मैं राउंड फिगर है 4 पकड़ के खेलता हूँ मेरे भाई, एक राउंड फिगर में पकड़ पकड़ के कि 4 गोल से आ रहा है, अगर उससे ज्यादा से आ रहा है तो भाई हमका फायदा ही है, अगर कम से आ रहा है तो भाई हमारे लग जाएंगे लवड़े। चलो ठीक है, आई हियर पाकिस्तान ऑल्सो फील्ड एन इन एक्सपीरियंस टीम लाइक इंडिया फॉर एशिया कप, ऑफकोर्स मेरे भाई उनके भी 3 ही प्लेयर एक्सपीरियंस है। क्या ब्रो एम सागर शाह चेस बेस इंडिया देखना रहा है? ओके ओके, सागर शाह ना उनका मैं चैनल सब्सक्राइब करके रखता हूँ, नहीं उनका उनका मेरे भाई उनका कोई पर्सनल चैनल नहीं है मेरे ख्याल से, उनको आए तो चेस बेस के लिए करते हैं कॉमेंट्री, वो मेरे ख्याल से ब्रो चेस बेस के लिए कॉमेंट्री करते हैं, चेस बेस इंडिया मतलब उनका ये चेस बेस इंडिया है जितना मुझे पता है मेरे भाई, चेस बेस इंडिया, चेस बेस इंडिया, चलो ठीक है चेस बेस इंडिया ये रहा। ये रहा मेरे भाई चेस बेस इंडिया उनका, बढ़िया है, इसको मैं कर देता हूँ सब्सक्राइब, सब्सक्राइब हो गया इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से। नाउ लेट्स मूव, अरे एक आप पढ़ता हूँ पढ़ता, आपके थोड़ा थोड़ा लंबा कमेंट है मेरे भाई, इसलिए मेरे भाई इसलिए आपके मैं कमेंट पढ़ूंगा, पर थोड़ा थोड़े थोड़े समय के लिए रुकना यार। चलो ये ठीक है, आई हियर सेकंड ये वाला नहीं कहा गया अपना ब्रो, इस पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में चाइना के अलावा कोरिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, हांगकांग एंड सारे बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, बट इंडिया का कुछ बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे। ओके ओके मेरे भाई, इसके ऊपर ना रात को अगर 10 साढ़े 10 बजे मेरे भाई फ्री होना यार, इसके ऊपर मेरे हम अलग से स्ट्रीम करेंगे, तो उसके ऊपर उसमें हम अच्छे से बात कर पाएंगे यार कि क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे भाई, तो यार तब हम अच्छे से बात करेंगे। इन हॉकी वर्ल्ड कप हाउ मेनी कंट्रीज विल बी फेवरेट एंड हाउ मेनी डार्क हॉर्सेज विल बी देयर? भाई अभी ना यार इतना जल्दी कहना मुश्किल होगा मेरे भाई, थोड़ा हम थोड़ा वर्ल्ड कप के पास जाएंगे ना मेरे भाई तो अच्छा होगा यार, जैसे वर्ल्ड कप आई थिंक अपना 2023 के जैन में है, तो जितना मेरे भाई दिसंबर तक जाएंगे तब हमको अच्छे से समझ में आएगा, एक क्लियर पिक्चर हमको सामने आएगी मेरे भाई। तो ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया तो है ही, बेल्जियम होगी, इंडिया भी शायद से हो सकती है, नेदरलैंड्स हो सकती है मेरे भाई, इवन जर्मनी जो टॉप 5 कंट्रीज है। तो यार डार्क हॉर्सेस तो भाई क्या ही बोलो यार, मैं डार्क हॉर्सेस किसको और बोल सकते हैं, बस अब बांग्लादेश ने हार जाए इंडिया, नहीं तो पांच से सीधा मतलब मेरे भाई 5th से सीधा मतलब ब्रो भाई, हमारे यहाँ टाटा ने एक टेनिस कोर्ट बना है बड़ा वाला। ओके ओके, उसके उसको कुछ फीस है मेरे भाई या फ्री में आप फ्री में खेलने जा सकते हो या फिर फ्री में मतलब क्या है? भाई नीरज चोपड़ा का अगला गेम इन फिनलैंड इन जून, वेटर भी खेलेगा। ओके ओके भाई, देखते क्या होता है यार, लेट्स सी अभी वो क्या कर रहा है अपने ट्रेनिंग्स में, समझ में आएगा हमको कि ओलंपिक के बाद उसकी कितनी हुई है प्रोग्रेस। फिफ्थ से सीधा 10th पर हो जाएंगे, मतलब मैं समझा नहीं मेरे भाई इसका मतलब यार, फिफ्थ से सीधा 10th पे हो जाएंगे मतलब मेरे भाई। नीरज चोपड़ा इज प्रैक्टिसिंग रियली हार्ड इट सीम्स, देखो भाई ना यार फोटो में तो हम कुछ देख के बोल नहीं सकते यार कि
कि क्या कोई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मेरे भाई, बेस्ड ऑन इंस्टा पोस्ट भाई। इंस्टा पोस्ट पे तो भाई मैं भी अपना एक ड़, ड़, ये करके रख दू यार। वैसे तो भाई मैं भी अब फोटो ये कर सकता मेरे भाई। तो यार तो भाई ये तो भाई मैं भी ऐसा एक पोस्ट निकाल दू, क्या बोलते हैं, एक वेट लिफ्टिंग के तो मैं भी ऐसा एक पोस्ट अपलोड करता था मैं भाई। तो पोस्ट के ऊपर आपको जानना चाहिए मेरे भाई, ऑन द परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड क्या होता है उसके ऊपर हमको उनको उसको करना चाहिए जज मेरे भाई। तो यार थोड़ा आपको लग सकता है बुरा, बट जो हार्श ट्रूथ बोलता हूँ यहाँ पे यार, मैं किसको मक्खन लगाने नहीं आया। अब की बार 90 पार फॉर नीरज, लेट्स सी 90 पार होता है कि नहीं यार। अब की बार 90 पार, लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। अभी अपना यार मैच स्टार्ट हो गया, हमें पे बातें कर रहे हैं यार। चलो थोड़ा मैच देख लेता है, बाहर जाना तो है बट वी कैन वेट, वी कैन वॉच, थोड़ा और देख सकते हैं यार। आई थिंक इंडिया विल बी एलिफेंट और खेमा दिल्ली, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? ये तो आप रोस्ट कर रहे हो मेरे भाई, ये तो आप रोस्ट कर रहे हो। चलो ठीक है, 40-30, अरे वाह सर्विस हम गाइस ब्रेक कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया। चलो चलो अब तक सर्विस ब्रेक की नहीं है, हमको भी 4 अपॉर्चुनिटी मिली, उनको 9 अपॉर्चुनिटी मिली सर्विस ब्रेक करने की, पर अभी अब तक गाइस किसी ने उस मौके को गाइस फायदे में उतारा नहीं है। तो देखते बोलो अभी हम क्या करते हैं। चल चल चल, अच्छा रेसी, हाँ बढ़िया स्लाइस अभी यहाँ पे मारा यार ओटे ने गाइस, बढ़िया स्लाइस अभी मारा, और एक भी पॉइंट मिल जाएगा 40 और गाइस, फिर जो हो चुका है स्कोर रिड्यूस। ये है, ये सेट हाथ से चला गया, मतलब मैं समझा नहीं मेरे भाई अपने हाथ से कैसे चला गया। अभी पहला सेट हमने विन कर लिया था मेरे भाई। तो यार कहना क्या चाहते हो मेरे भाई, कहना क्या चाहते हो? चेस में है ना एलिफेंट और एलिफेंट और कैमल। ओके ओके ओके, ये टेलीकास्ट कहाँ हो रही है? आप सोनी 10, सोनी 6 पे देख सकते हो, सोनी 10 3 पे देख सकते हो, जियो टीवी पे देख सकते हो मोनिल भाई। तो यार ओ बेनो जियो मैं लेसन जी जैसे, आ हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये बाहर है मेरे ख्याल से, फिर से दोस्तों हो जाएगा अभी। ड्यूस 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 इनका दोस्तों बहुत खेल रहे हैं लोग यार आपस में, ड्यूस ड्यूस इनका बहुत ज्यादा ही हो रहा है, अच्छी बात है। चलो ठीक है, कोई हार नहीं मान रहा, आखिरी मोमेंट तक जस्ट लाइक अ वेव इन फ्लैग। सर्विस करते रहते नाच क्यों रहा है यार, ये सर्विस करते रहते क्यों नाच क्यों रहा है, मुझे समझ में नहीं आया इसका सीन। चल भाई डाउन द लाइन, आ रामनाथन बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया क्रॉस कोर्ट्स मैंने भी यहाँ पे आता हुआ यार, बहुत ही बढ़िया। चल 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 बेहतरीन, जैसे नीरज चोपड़ा क्या 90 से ज्यादा फेंक पाएगा क्या भाई? यार मैं तो भाई ये 4 साल से देख रहा हूँ यार, देखते हैं अभी क्या कर पाता है। उसका बेस्ट आया था आई थिंक सो एशियन गेम्स में, उसका पर्सनल बेस्ट आया था मेरे भाई, ऐसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग पर्सनल बेस्ट उसका उसमें आया था, और आई थिंक सो एशियन रिकॉर्ड भी आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे भाई। 88 क्या था उसका, मैं भी भूल गया यार, 88 था ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 88 था उसका। तो उसके बाद से भाई हम भी देख ही रहे, देखते कब तक आता है मेरे भाई। अभी 4 साल से, अभी 2-3, नीरज इज येट टू रीच इज प्राइम, लेट्स सी लेट्स होप मेरे भाई। यार 88 इज हिज बेस्ट, क्या मेरे भाई 88 उसका बेस्ट है। एम ऑन पोंडल अपॉन जीसस एंड ऑन स्टिल टाइम फॉर 90, क्या यार देखते हैं मेरे भाई 90 कब तक आएगा यार। चल ठीक है 2-0 यार, प्लेइंग गुड यार इन दिस सेट गाइस, ये सेट में हम अच्छा खेल रहे हैं। और अनफोर्स बैकहेंड से आता हुआ यार, एंड वी आर किलिंग इट इन दिस सेट दोस्तों यार, हम गाइस अच्छा खेल रही है वाले सेट में, और वो देखे गाइस मुझे अच्छा लगा, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इसकी आवाज कैसी आ रही है यार, मुझे बहुत सारी वीडियो शूट करना है बट बिकॉज ऑफ माई हेडफोन्स यार, बिकॉज ऑफ माई हेडसेट गाइस मैं कर नहीं पा रहा हूँ, उसकी कैसी आवाज आ रही है जरा देखते सुनते। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक, क्या हो रहा है? एक सेकंड ना दोस्तों, एक सेकंड जरा मैं अपना चेक कर लूँ आवाज कैसी आती है इसमें। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक, आ गया माइक चेक वाला, माइक चेक माइक चेक। तो इसमें थोड़ा खरखर होता है स्ट्रीम में, फिर भी चलता है वो।
पर वीडियोस में थोड़ा दिक्कत आता है भाई। प्रो लीग फिर कब से? मेंस अपना शुरू 12 जून, मेरे पास मेंस 12 जून, और वुमेन्स का मुझे एक बार देखना पड़ेगा अपना इंडिया का कब मैचेस है। तो यहाँ प्रो लीग तो देखते हैं भाई लोग क्या होता है। लेट्स सी, ओ पटियाला पैक लगा के कहंदा है तू नी मेरी सास भरी, एनी जो बाके तेरी ने दे रंग तरिश्तारा, तो जैसे मेरा गबरू दिल हारा कि जैसे मेरा यार है पटियाल भी। चलो बढ़िया है। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया ओपन में मरीन वर्सेस साइना है फर्स्ट राउंड। भाई नहीं यार, इतने जल्दी भाई, इतनी मुझे उम्मीदें मेरे भाई, प्लीज मत बताओ मेरे भाई, प्लीज यार इतनी जल्दी भाई मुझे उम्मीदें मत दो यार, प्लीज मेरे भाई लोग, इतना उम्मीदें मुझे जल्दी मत दो। मरीन भाई जब आएगी, जब तो उसका जब तो उसको मेरे पास सर्विस करते हुए मैं देखूंगा नहीं मेरे भाई, तब तक मैं उसको सच नहीं मानूंगा। तो पहले उसको आने दो कोर्ट के ऊपर, सर्विस करने दो, एक बार मैच हो जाने दो, फिर देखेंगे क्या होता है। तो यार लक्ष्य को क्वार्टर में विक्टर को फेस करना होगा भाई, यार देखेंगे यार, उसके लिए बहुत टाइम है यार, इतना जल्दी से आप देखिए क्यों, तुम्हें समझ में नहीं आता यार, आपने वो एक्साइटमेंट खत्म नहीं हो जाता मेरे भाई। चल 30 ऑल, इसलिए मैं देखता ही नहीं ड्रॉ यार, मैं ड्रॉ पहले देखता हूँ। साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड आर क्वाइट वीक इन इन फील्ड हॉकी कंसिडरिंग हाउ दे परफॉर्म इन एफआईएस प्रो लीग। यार न्यूजीलैंड इतना खराब नहीं था रे, ओलंपिक में उन्होंने हमको अच्छी फाइट दी थी मेरे भाई, ओलंपिक में उनको हमने उन्होंने हमको अच्छी फाइट दी थी। आवाज की इधर हॉर्न की भी आवाज आ रही है यार। आईएसएसएफ वाला 27 से शुरू है यार, उसके ऊपर भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी, तो देखिए आज 27 को मिल जाएगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ बढ़िया फिनिश, चल चल रामू। अच्छा अच्छा यहाँ पे किया था कट्टी डाउन, अच्छा गया था, बट पहले एक आध 2 दिन का यही होता है ना मेरे भाई, क्या उसको बोलते हैं इक्विपमेंट कंट्रोल है, ये सारी चीजें। चोरी मेरी शर्त भरी, मन जाके तेरी आके कहने दे रंग तरिश्तारा, कि जैसे तेरा गबरू दिल हारा कि जैसे मेरा मार है पटियाली। हाउ डिड रोहन बोपन्ना फेयर, हाउ डिड अ प्ले, किस क्या कैसे बोलो मेरे भाई। आई विश इंडिया हॉकी विंस बोल इन कॉमन, लिखते देखते देखते मेरे भाई क्या होता है। लेट्स सी, रफा नडाल मीर भाई फ्रेंच ओपन में जीत सकता है, कुछ नहीं कह सकते यार, कुछ नहीं कह सकते, उसका वो क्ले का चैंपियन तो है वो, बट अभी भी वो प्लेयर्स आ रहे हैं यार, उसको चैलेंजर्स है। अल्करेज भी अभी यार यंगस्टर अच्छा आ रहा है, जोकोविच तो अपना अच्छा है ही, कुछ कह नहीं सकते मेरे भाई, कुछ कह नहीं सकते। मेडवेडेव थोड़ा वीक है क्ले में यार, अल्करेज हरा तो सकता है मेरे भाई, बट फिर भी यार इतना ना एक मैच से इतना जज नहीं करूंगा, अच्छा यंगस्टर है वो, बट कार्लोस अर्केल स्पेन न्यू प्लेयर यार मेरे भाई। चलो मोस्ट लाइकली अगर हम ऐसे ही खेलते रहे तो ये तो गेम गाइस हमारे से कोई छीन ही नहीं सकता यार, अगर हम ऐसे ही खेलते रहे तो मजा ही आ जाएगा, देखते क्या होता है। पावा जी पैनू मैनू मैनू ना रोके तेरे ढोल जुदाइया दी। बढ़िया चल, ये बाहर मार दिया आप यार, बाहर मत मारा करो। चलो फिर भी अपने पास एक एक ब्रेक पॉइंट तो समय पर हमारे पास एडवांटेज है, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। आईओए प्रेसिडेंट ने आज रजिस्ट्रेशन दे दिया, मतलब मैं समझा नहीं इसका मतलब यार, अभिषेक भाई इसका मतलब मैं समझा नहीं। नरेंद्र बत्रा ने रेजिग्नेशन दे दिया, ओके 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 बढ़िया, वो हमारा लकी चांस था मेरे भाई, वो हमारा लकी चांस था, बट चलो ठीक है, उसने वहां से तो दे दिया मेरे भाई, पर हमारा मेरे भाई वो लकी चाम है, तो या ब्रो उसको हम कभी भूलेंगे नहीं। तो मेरे भाई उसने भाई हमको बहुत सारे अच्छे अच्छे पल दिए यार, उसके वजह से उसके बदल भाई हमने स्पेन के सामने कमबैक किया था। अरे
अनफोर्स एरर मत किया करो यार, अनफोर्स एरर मत किया करो, क्या कर रहे हो? आई जीरो वाचिंग क्या हो रहा है? तो ग्लिच होगा मेरे ख्याल से, ग्लिच होगा यार, ग्लिच होगा तो ठीक है। हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट है, इसलिए तो, इसलिए तो भाई, इसलिए तो भाई हम उसको ये करते थे ना मेरे भाई, इसलिए तो मेरे भाई ये करते थे उसको, इसलिए तो मेरे भाई उसका नाम लेते थे मेरे भाई, और प्लेयर जब भी उसका नाम लेते थे प्लेयर अच्छा खेलने लग जाते थे। तो बेचारा अभी अपना लेजेंड नरेंद्र बत्रा, बॉस प्रफुल्ल पटेल, अनलकी चाम फॉर यार, अनलकी लकी अनलकी कुछ नहीं होता मेरे भाई यार, उसका जो काम था मेरे भाई वो भी अच्छा नहीं था ना मेरे भाई। तो यार क्या हो रहा है पे? नेट का कुछ दिक्कत आ रही है, बिकॉज मेरा यहाँ पे जियो टीवी बंद हो गया, मेरा जियो टीवी बंद हो गया, फुटबॉल अंधकार में चला गया यार। मतलब वो ए लकी चाम, ये अनलकी तो नहीं बोलते थे मेरे भाई, पर उसकी जो कुछ कुछ चीजें उसने अच्छी भी की है, बट कुछ कुछ चीजें उसने बहुत सारी खराब भी की है मेरे भाई। यार कौन जो पौन दर है, कौन जीजे सनो न बैलो, मैं कौन जीजे ब्रांड, बिना प, 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 प्रेसिडेंट के फुटबॉल। और एएफएफए इज एन इनकॉम्पिटेंट फेडरेशन यार, कैसा ना यार, क्या ही बोलूं अभी यार इसके ऊपर मैं। आपकी बात तो सही है, बट इट्स वेरी यार, वो थोड़ा डाइसी हो जाता है, थोड़ा डाइसी हो जाता है मेरे भाई। सुनील छेत्री यार, मेरे भाई टीम देखा मेरे भाई, स्क्वाड देखा मैंने। विपिन सिंह क्यों नहीं यार, विपिन सिंह मेरे भाई क्यों नहीं है? बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, उसको कोई नाम इतना लेता नहीं है, बट वेरी अंडररेटेड प्लेयर मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, आपको कुछ और अलग सकते अलग, बहुत अंडररेटेड प्लेयर है वो विपिन सिंह। अगला वुमेन्स का मैच कब है? अपना वुमेन्स कब खेलने वाले अपनी हॉकी, वुमेन्स अपना हॉकी कब खेलने वाला अगला मैच? इंडिया का वुमेन्स का मैच होने वाला है 11 तारीख को, वाह वाह वाह, बेल्जियम के साथ ही है मेंस, और वाह वाह मजा ही आ जाएगा दोस्तों, मजा ही आ जाएगा यार, एक दिन वुमेन्स एक दिन मैच, अरे वाह मजा ही होगा दोस्तों, मजा ही आ जाएगा बेटे बेटे, मजा ही आ जाएगा। आगे लेके गए तो अच्छा लगा, बहुत सारे मैच अपने वुमेन्स यार, अरे वाह यूएसए के साथ भी, अरे वाह वाह वाह, अगला मैच तो फीस यार, अगला दोस्तों जो गाइस हॉकी के फैंस है उनके लिए तो फीस यार, अगला अगला महीना गाइस यार। शूटिंग में ज्यादा कुछ नहीं है इंडिया के लिए, शूटिंग में ज्यादा कुछ नहीं इंडिया के लिए भाई, शूटिंग तो मैं क्या ही बोलूँ यार, शूटिंग तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, शूटिंग तो अभी मैंने होप रखना छोड़ दिया है। ओनली राइफल एडिट्स है, वही तो बात है ना मेरे भाई। चलो भाई ठीक है, अभी मुझे थोड़ा बाहर जाना है, मुझे माइक का कुछ तो ही करना है, मेरे भाई के पास दिखाना है, मुझे रोटियां देनी जानी है, एंड मोस्ट लाइकली दोस्तों ये वाला गेम तो ये विन कर ही रहे यार, तो मैं सोच रहा हूँ कि सानिया मिर्जा देखता है, टाइम तो मुझे लगता नहीं यार वो टाइम से शुरू होगा मैच। देखो अभी उन्होंने यहाँ पे 9 था, अभी यहाँ पे उन्होंने कर दिया 10, तो इनका गाइस ये बढ़ता ही रहेगा। अगर गाइस इफ अगर उसमें जगा हुआ दोस्तों रहता हूँ, तो गाइस मैं पक्का करूंगा, देखते वालों क्या होता है, ये 10 का दोस्तों मैं बोल रहा हूँ ना, ये 10 का दोस्तों और होने वाला है यार। ओके फिर मिलता है यार मेरे भाई, अगर गाइस मैं मिलते देखते, अभी मिलूंगा टेंशन ना यार, कल सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी, कल तो अपना हॉकी के सारे मैचेस करेंगे, जापान पाकिस्तान इंडिया इंडोनेशिया, बिकॉज कल इंपॉर्टेंट है, और पैरा बैडमिंटन हम करेंगे आज रात को, वो तो मैंने पक्का कर लिया है। ठीक है और क्या बचा है, और क्या बचा है, और कोई स्पोर्ट्स के बारे में मुझे वीडियो बनानी है प्लीज यार बता दो, बता दो स्पेक्टेटर्स भाई, अथर्व भाई, अभिषेक भाई, और किसके बारे में वीडियो बनानी है, मैं अगर कुछ भूल रहा हूँ तो प्लीज मुझे याद करवा दो। आपका हमारे अपकमिंग इवेंट कौन सा है, मैं भी थोड़ी वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे आपको याद नहीं आ रहा है। अरे इसे तो भाई कल, इसे तो पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं मेरे भाई, इसे तो कल पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं हम, वी विल सपोर्ट टुमारो, जापान को सपोर्ट करेंगे यार। लॉन्गेस्ट टेनिस मैच नहीं यार, 11 घंटे वाला मैंने नहीं सुना है, मुझे जितना पता है मेरे भाई, एक जो रफाल नडाल वाला मैच चला था, रफाल नडाल वर्सेस जोकोविच वाला, बहुत आई थिंक लंबा था यार, वो लंबा था या फिर वो ऑस्ट्रेलियन ओपन का लंबा मैच था, ऐसा कुछ तो सीन था उसके लिए यार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे भाई, जितना मुझे पता है 5.5 या 6 घंटा वो मैच चला था, उसके आसपास में वो मैच मतलब हुआ था रन यार, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन का सबसे लंबा मैच था या फिर वो टेनिस का लंबा मैच था मुझे नहीं पता, और उसके वो रिलेटेड है।
जापान से विल्फेट टीकामो रिटायर हो गया, कल रो रहा था, सो सैड। ओके ओके ठीक है मेरे भाई, फ्रांस में कल हार गया। ओके 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 ब्रो, ओके ओके ब्रदर, तुसांगो तुसांगो। एनोनी बॉम्बर बेबी फ्लैग, बेबी फ्लैग जरा सर्च कर, बेबी फ्लैग क्या बोला, बहुत पसंद है यार, ज्यादा ही दिला चुके उसके ऊपर। माय फेवरेट वॉलीबॉल प्लेयर चेंज हर क्लब। ओके ओके आपके, हाँ आपके भी टर्की में वॉलीबॉल भी फेमस है ना मेरे भाई, कैसा आपके, आपका लीग कैसा होता है जरा भाई, उसके ऊपर जरा मुझे प्लीज जरा यार जरा बताओ मेरे भाई, चैंपियन लीग कौन जीतेगा, लिवरपूल या लिवरपूल? मैं चाहता हूँ मेरे भाई कि लिवरपूल जीते, तो लेट्स सी। इंडियन में वॉलीबॉल टीम भाई, इंडियन वॉलीबॉल टीम भाई अपना अगला मैच, उन्होंने पिछला मैच खेला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एशियन टाइप को उन्होंने चैंपियनशिप खेली थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे भाई, जिसमें वो हार गए थे। तो या ब्रो वॉलीबॉल बास्केटबॉल के तो मैचेस ही नहीं होते हैं कभी, के 6-4 महीने में हो गया तो हो गया मेरे भाई, तो वैसा ही है हाल। या अभिषेक वो 29 को ऐसे मैच, फुटबॉल सारी टीम दो दो से मैच खेलती है थ्रू आउट ईयर, मतलब कितना होता है मेरे भाई, कितना मतलब क्या उसको बोलते हैं, कितने कितने लीग है, मतलब कितने कितने मतलब आपके एक एक क्या उसको बोलते हैं, एक लीग में कितने टीम्स है मेरे भाई, कितने टीम्स है, हैंडबॉल है क्या कमल में है यार मेरे भाई, इतना आइडिया नहीं मेरे को, हाँ होगा यार, लेस प्लेन फॉरेन लीग्स नहीं यार, कहाँ पे खेलेंगे यार, तो इंडिया में नहीं खेलते मेरे भाई। ओके 14 टीम है ऐसे, ये कितने मेरे भाई टीयर्स, टीयर वो कितने हैं, सेकेंड टीयर थर्ड टीयर ऐसा है क्या वहां पे? क्या हो रहा है? ओके मैनी मैनी टीयर्स है, ओके ओके ठीक है मैनी टीयर्स है। और मैं क्या बोल रहा था, और मतलब भाभी अब फुटबॉल में जैसे ट्रांसफर मार्केट होता है बाहर के लीग में से प्लेयर उठाना, वैसे भी होता है क्या वहां पे? री डिमोटेड एवरी सीजन, ओके ओके ठीक है ना, वही सिस्टम है ना, वही सिस्टम है यार, ट्रेड सुधर मेरे, ट्रेड ट्रेड। और मतलब कितने कंट्रीज में से लीग है मेरे भाई, मतलब समझ जैसे भी अपना यूरोप की ऐसी, मतलब मैं कैसे क्या कैसे आपको बोलूं यार, मतलब कौन सी फेमस लीग कौन सी है वॉलीबॉल की, मतलब जहाँ पे सारे बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, फ्रॉम ऑल कंट्रीज प्लेयर्स कम एंड स्टेडियम आर फुल, मतलब ऐसे क्या, मतलब क्या बोला था भाई, खुद भूल गया, सबसे फेमस लीग कौन सी है मेरे भाई, आपकी आपकी की फेमस लीग है? बोल रोनिया पे दोस्तों अपने रामकुमार रामा थे, दे आर वेरी प्लेन गुड यार। ओके नहीं मैं सिर्फ यूरोप की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं अपने पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सी अच्छी फेमस लीग है? डज इटली हैव द बेस्ट, मुझे इटली का इतना पता नहीं यार, देन पॉलिश, ओके ओके देन पॉलिश, ओके पॉलिश मुझे पता था, ईरान की लीग भी अच्छी है ना, मतलब मैं ये नहीं बोलती वर्ल्ड बेस्ट है, पर उनकी भी लीग अच्छी है ना मेरे ख्याल से ब्रो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईरान वाली। तो उसके तो मैंने मतलब मैंने कहीं तो पढ़ा है यार, मैंने कहीं तो पढ़ा है, वो तो वीडियो देखा मेरे भाई, तो यार इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे भाई, ओके टर्की से, मतलब अभी आप में ऐसा आपके में ये होता है क्या, मतलब फुटबॉल में कैसे चैंपियंस लीग होती है, वैसे वॉलीबॉल की भी चैंपियंस लीग होती है क्या? मुझे भाई ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें देता है, मैं बहुत मजा आता है स्पेशली फॉर वुमन, ओके ओके ठीक है, टर्किश वुमन के लिए बहुत अच्छा, ओके ठीक है। इंडिया का वॉलीबॉल लीग इज स्टिल एट एमेच्योर स्टेज, क्या ही बोले यार, मतलब हाईएस्ट कितना है, 25 लाख मिलता है आई थिंक, तो हाईएस्ट फॉर मैन इटली इज बेस्ट, ओके ओके ठीक है। और नहीं मैं क्या आपको बोल रहा था मेरे भाई, वो चैंपियंस लीग से चैंपियंस चैंपियन लीग जैसे भी आपके यहाँ पे होता है क्या, मैं एक छोटे बच्चे की तरह सवाल पूछ रहा हूँ यार, मजा आता है मुझे तो यार सवाल पूछने में, बहुत मजा आता है, आई डोंट नो व्हाई बट बहुत मजा आता है छोटे छोटे सवाल पूछने में। ओके यस वॉलीबॉल चैंपियंस लीग होती है, अरे वाह यार मुझे बहुत सारी चीजें जानने मिली। और जो ऐसा वो फीफा फीफा ये कैसा होता है, क्लब वर्ल्ड कप वैसा भी होता है क्या मेरे भाई, फीफा फीफा क्लब
क्लब वर्ल्ड कप कैसे होता है, एशिया की ये वे वाली वो वाली। भाई मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा इसमें यार, मैं तो अभी जाने वाला, बट मैं भी नहीं, मैं कुछ नया सीखने मिलता है मेरे को भाई, बहुत मजा आता है यार ऐसा नया नई चीजें। मैंने ना वॉलीबॉल के चैनल को सब्सक्राइब करके रखा, तो मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ यार। और हॉकी इंडिया फेडरेशन कैन एवर स्टार्ट अ बेसिक हॉकी लीग टू बिल्ड एन ओलंपिक सक्सेस फॉर इंडिया हॉकी टीम। ओके ओके, क्लब वर्ल्ड कप नहीं होता यार, मैं तो चाहता हूँ यार एक लीग आ जाए अथरो भाई यार, जिसमें हमें सारे बाहर के लोग खेले, मजा आए, अच्छी एक लंबी लीग हो यार, एक साल की, मतलब खेले अच्छे खासे लोग उसमें, तो मजा आएगा ना ब्रो। एक लंबी लीग हो 8-9-10 महीने की, उसका एक सेकंड ये भी आ जाए, सेकंड टीयर होता है वो भी आ जाए, तो सारे लोग एक ही जगह पे खेले यार, जैसे ना एनबीए कैसा है भाई, उसकी तरह से मेरे भाई, तो कितना मजा आएगा यार। ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर आएंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, बेल्जियम, सारे लोग आएंगे यार खेलने के लिए पूरे साल भर। और इंटरनेशनल के लिए जो अपना ये होता है क्या उसको बोलते हैं यार, इंटरनेशनल ब्रेक्स होता है, उसमें आप इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे, तो कितना फन रहता है, मतलब कितना अच्छा लगता है भाई। हाँ मजा आ गया, मजा ही आ गया यार। आहा, यूएसए रशियन ब्राजील के प्लेयर सबसे एक्सपेंसिव है वुमन में, सबसे मतलब सबसे हाईएस्ट मार्केट वैल्यू कितनी है आपकी इसकी मेरे भाई, मार्केट वैल्यू कितनी है। ऑल इंडियन स्पोर्ट फेडरेशन टेक स्पोर्ट फॉर ग्रांटेड, आपकी बात तो सही है यार, आपकी बात तो मैं, हम ना भले कुछ भी बोले यार, बीसीसीआई क्रिकेट को ना मेरे भाई, क्रिकेट ने जो बीसीसीआई ने किया है ना ब्रो, वी हैव टू गिव क्रेडिट टू देम यार। हमको लगता है ना सिर्फ कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होने से सब कुछ हो जाएगा, कि हम अगर ट्रॉफी जीत जाएंगे तो बहुत सारे लोग देखना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता रे, उसके उसके बाद में को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अभी अपने अभी थॉमस कप जीता, उसके बाद मुझे बता दो यार, एक साल के अंदर लोग क्या देखने आने वाले हैं, मुझे तो नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता यार। तो उसके बाद भी बहुत सारे काम करने होते हैं, जो कि बीसीसीआई ने किया है, और बाकी ने फेडरेशन, अभी अपना थॉमस कप इज अ बेस्ट एग्जाम्पल यार, कि देते भी उसके बाद क्या होगा। इतने सारे नंबर्स आपके आए मेरे भाई, अट्रैक्ट हुए आपकी तरफ, एक्चुअली सक्सेसफुल मार्क। शूटिंग में कितने मेडल जीते, कुछ चेंज हुआ? मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेडल से कुछ नहीं होता यार, मेडल से नहीं होता मेरे भाई यार, मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई यार। मैं चलो यार, मैं तो खुश हूँ कि मेरे जैसा भी कोई सोचता है यार, वरना मुझे हमेशा लगता था मैं ही मैं गलत हूँ, मैं गलत सोच रहा हूँ, बट नहीं यार, ये बहुत सारी चीजें फर्क पड़ता है मेरे भाई यार। एंड है सक्सेसफुल लीग आईपीएल, और कुछ नहीं करना यार, अरे अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, उनको थोड़ी नॉलेज देनी पहले लोगों को यार। अभी ना बहुत लोगों को बैडमिंटन में, लोगों को पूछना थॉमस कप क्या, लोगों को लगता है थॉमस कप एंड उबर कप एक अलग अलग कॉम्पिटिशन है, लोगों को ऐसा लगता है, उनको लगता है कि थॉमस कप क्या मतलब किसी एक अलग साल में होता है, और उबर कप अलग साल में होता है, एक ये एक साल होते वो भी नहीं पता लोगों को। आईएसएल व्यूअरशिप इज इवन लेस देन पीकेएल भाई यार, बट कैसा ना, फुटबॉल में फिर भी लोग है मेरे भाई, फुटबॉल में फिर भी लोग है, आपको लगता है हॉकी में उतने लोग है? फुटबॉल का कौन सा मैच था, केरला वर्सेस आई थिंक, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी तक मैच था ना अभी अपना क्या, संतोष ट्रॉफी में 1 लाख लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे थे मेरे भाई, 1 लाख लोग इसमें देख रहा था। पीकेएल इज वेरी पॉपुलर, हाँ नहीं पीकेएल पॉपुलर है, मैं अब मना नहीं करता मेरे भाई, पीकेएल इज वेरी पॉपुलर, वो तो भाई मतलब वो आईपीएल को अगर मेरे भाई कोई टक्कर दे रहा है ना, वो है मेरे भाई पीकेएल, तो या बस उसका अगर थोड़ा वो 4.5 करोड़ का जो प्राइस ब्रैकेट है वो जरा और इंक्रीज हो जाए, या फिर जो अपने थोड़े इंटरनेशनल प्लेयर को थोड़ा मौका मिले तो और अच्छा होगा यार, बट क्या ही बोलूं मैं भाई। अरे देखो टर्की में नहीं, मैं ना यार, बट जब तक उनको मौका नहीं मिलेगा ना इंडिया में खेलने का ब्रो, तब तक उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा ना मेरे भाई। अरे भाई मैंने यार पोलैंड की टीम, अगर आपने वर्ल्ड कप देखा होगा मेरे भाई, तो मैं इतना शॉक था यार कि यूएसए के लोग मतलब यूएसएन ओरिजिन के प्लेयर कबड्डी खेल रहे हैं, पॉलिश के लोग कबड्डी खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन कबड्डी खेल रहे हैं, खराब सही खराब जो भी हो यार, अच्छा खेले ना अच्छा खेले वो अलग बात है, बट खेल रहे वो कितनी इंपॉर्टेंट बात है यार, बट हम उसको कोई एक रास्ता ही नहीं दे रहे मेरे भाई, हम सिर्फ इंडियन प्लेयर को खेलने का मौका देते हैं, फर्स्ट सिंग इंडियन प्लेयर, सेकंड सिंग इंडियन प्लेयर, थर्ड सिंग इंडियन प्लेयर, फोर्थ सिंग इंडियन प्लेयर, उसके बाद किसी एक बेचारा विदेशी प्लेयर उसको मौका मिलता है। एक 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 यस हैव सीन वर्ल्ड कप या ब्रो यार, प्रफुल पटेल वाज राइट, दो इफ फीफा बैन्स इंडिया फुटबॉल फेडरेशन नो वन विल मिस इंडिया, बट विदाउट बीसीसीआई देयर वोंट बी क्रिकेट। या मेरे भाई प्रफुल पटेल भाई, अपने आपको कबड्डी विल शॉर्टली गेट ओलंपिक आइडेंटिफाई, या यार बस उसको थोड़ा ना, अभी जो जो पहले जो पहले पहले भी ना क्या था, पीकेएल लाया क्यों गया था, कि थोड़े अपने प्लेयर को पैसे मिले, थोड़ी फेमस हो जाए लीग, थोड़े मतलब प्लेयर फेमस हो जाए, थोड़ा प्लेयर को मौका मिले। अभी हमको थोड़ा ना ब्रॉडर इस पे जाना है, ब्रॉडर परस्पेक्टिव पे जाना है, जैसे भी एनबीए कहता है कि सारे लोगों को मौका देता है इक्वली, वैसे भी हमको सोचना है यार। अगर मैं वैसे जिस दिन से हम सोचने लगे और थोड़ी टीम बढ़ाए, 12 टीम है, थोड़ा 15-16 टीम करो यार, तो मजा आ जाएगा।
जस्ट 15-4 मैच गया, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली मेरे भाई, बस 15 और नेशन चाहिए यार, हर एक 15 में से छह सात प्लेयर आएंगे मेरे भाई, मजा आ जाएगा ब्रो, मजा आ जाएगा यार, मजा ही आ जाएगा ब्रो लिटरली। सो आईसीसी डजंट इवन डेयर टू बैन विराट कोहली फॉर डूइंग एंटिक्स ऑन फील्ड लाइक जोहान्सबर्ग टेस्ट, क्या मेरे भाई यार। हाँ फिनिश फिनिश स्पोर्ट्स क्रिकेट इज भाई क्या कर रहा है, आईसीसी को झक मार के उनके ऊपर करना ही पड़ता है, बिकॉज देखो जहाँ पे पैसा है मेरे भाई वहां पे तो आप झुकना पड़ता है यार, जहाँ पे जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास ज्यादा पावर है, तो यार मेरे भाई इट्स जस्ट दैट। तो या आईसीएस पैसा है, पैसे से उनको मिलती है, मिल जाती है पावर, और जो जिसके पास मेरे भाई पावर है वो तो आप देख ही रहो क्या होता है पावर के पास। हम अपना हम क्या ही बात कर रहे हैं अपना, रशिया हेल्प की 2032 में कबड्डी से सख्त, रशिया हेल्प की 2032 में कबड्डी आ सकती है इलिस्ट्रेशन स्पोर्ट्स के हिसाब से। ओके भी आ जाए यार, आ जाए मेरे भाई लिटरली आ जाए यार। सो गाइस वी कैन विन दिस सेट यार, हेल्प की तो ऑफ कोर्स यार, रशिया हेल्प की तो 2032 में कबड्डी आ सकता है इलिस्ट्रेशन स्पोर्ट्स में हिसाब से, भाई देखते हैं यार क्या होता है। नामीबिया स्कॉटलैंड नेदरलैंड्स आर हियर टू टेस्ट स्टेट्स टेस्ट स्टेटस डिस्पाइट कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंसेस, यार उनको ना यार उनको कोई ना एक खेल है ही नहीं यार। देखो अब वो प्लेयर ना मेरे वो वर्ल्ड कप तो भाई जीत नहीं सकते, अब नामीबिया का जो प्लेयर है वो वर्ल्ड कप नहीं जीतता, बट उनके लिए एक रियलिस्टिक चांस क्या है कि आईपीएल टीम में जाना, तो कितने को मौका मिलता है यार। जब एक नामीबिया का एक लेफ्ट हैंड बॉलर है, ही इज वेरी गुड, क्या उसका नाम है भूल गया, मैं नाम भूल जाता हूँ, फिर अपना आयरलैंड का पॉल स्टर्लिंग है, आयरलैंड के भी बहुत सारे प्लेयर जो आईपीएल खेल सकते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता मेरे भाई। आयरलैंड हो गया जैसे आपने बोला, अगर मैं नेदरलैंड की बात करूँ तो उनका एक बैट्समैन है जो ऐसा 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 खेलता है, वो भी अच्छा खेलता है मेरे भाई। तो यार वो तो देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, तो वो भी एक होना होना चाहिए यार। इयन मॉर्गन इज फ्रॉम आयरलैंड यार, मेरे भाई पता है उसने अंडर 19 उसके उसके साथ ही खेला, कैप्टन कैप्टन था यार उस वाली टीम का, चाहे मेरे भाई। अरे आयरलैंड आई थिंक सो एंडरसन भी वहां से यार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे भाई, एंडरसन या फिर और एक तो बॉलर भी वहां से है, रेंट एंड डेस्कार्डे फ्रॉम नेदरलैंड, वो एक ही बंदा है मेरे भाई खेला यार बस, मतलब क्या ही था यार वो, मतलब इज गुड, इज गुड, इज वेरी गुड यार, इज वेरी गुड, इज वेरी गुड प्लेयर था वो आईपीएल में केकेआर की तरफ से, उसने आई थी तो 4 से 5 साल खेले थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे भाई, 4 से 5 साल खेले बस, और उसके पहले भी केन्या का प्लेयर खेला था बट वो ठीक ठाक ही, मतलब एक आध साल ही खेला मेरे ख्याल से। तो या मॉर्गन इज अ लिविंग लेजेंड, हिज कैप्टनशिप इज फायर यार ब्रो, यार मतलब यार उसने क्या चेंज कर दिया यार, 2-4 5 साल अगर मुझे पहले बोलते ना कि इंडिया मतलब वाइड बॉल फॉर्मेट की ये होगी किंग होगी यार इंग्लैंड वाले, तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं मानता मेरे भाई, बट आज उन्होंने भाई मतलब आज लोग इंग्लैंड की तरह करना चाहते यार, आज इंडिया भी इंग्लैंड को फॉलो करना चाहती है मेरे भाई, क्या ब्रो, तो सोचो आज क्या ही मतलब उस बंदे ने करके रखा है। यस रेंट एंड डेस्कार्ट इज अ गुड, इज वेरी गुड फिनिशर यार, मतलब और बॉलर भी अच्छा था वो, बॉलिंग भी कर लेता था, एक अच्छा ऑलराउंडर था, वर्ल्ड क्लास तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा उसके लिए यार, बट इज अ गुड प्लेयर, इज अ वेरी गुड प्लेयर, एक्सीलेंट प्लेयर यार, इतना मैं आपको उसके उसके लिए भी कह सकता हूँ। और एक एक मतलब एक एसोसिएट प्लेयर को भाई इतना भी कहना मेरे भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है, 4-5 सीजन खेलना कंसिस्टेंटली और परफॉर्म भी करके देना, सलाम है बंदे को। तो चलो गाइस अभी चलते हैं यार गाइस, मुझे बिकॉज अभी मुझे बहुत सारे काम है यार, मैं गाइस अभी बातें करते रहूंगा तो मेरी बातें कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी, तो चलो अभी चलते हैं, आपको गाइस मिलेंगे कुछ समय पश्चात, तब तक के पैसा पीस आउट। लुक इट सिलेक्शन लिविंगस्टोन डेस्ट्रो आर्चर रॉय बटलर, भाई मां कसम यार, मतलब वो कई वो अलग लेवल का खिलाड़ी है यार, और उसके प्लेयर बराबर चलते भी उसके अंडर है यार। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन आईपीएल, आपको उनको मिलना चाहिए यार, उनको मिलना चाहिए मेरे भाई, आर इंडिया में उनको मतलब मिलना चाहिए यार, डिजर्व करते हैं मेरे भाई, ऐसा भी नहीं है यार, इसलिए मैं एक कोटा ना एक एक प्लेयर का कोटा भी, इंडिया के 7-7 प्लेयर आप खिला रहे हो ना यार, उसमें से एक एक कोटा दे दो यार, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, एक कोटा दे दो ऑस्ट्रेलियन नेशन को, तो उनको मैच ना मिले कम से कम वो आईपीएल में आए तो सही यार, थोड़ा 20-1 लाख रुपए मिले उनको, थोड़ा उनको एक फाइनेंशियल भी मिल जाएगा, और उनको कितना सीखने मिलेगा 2-3 महीने में यार, वो विराट कोहली के अंदर रहेंगे, रोहित शर्मा के अंदर रहेंगे, धोनी के अंदर रहेंगे, कोई और भी बहुत सारे संजू सैमसन के अंदर रहेंगे, जॉस बटलर के अंदर रहेंगे, तो उनको कितना सीखने मिलेगा मेरे भाई यार। 2016 कभी जीत दिया बेन स्टोक्स, हमें लास्ट ओवर में हक दिया, अरे यार वो लास्ट ओवर में आप बोलो उसने हक दिया, या फिर जो अपना कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेम्बर द नेम,
आरिस क्रिकेटर आल्सो रिजेक्टेड इन ऑल। नहीं वो कैसा होता है ना मेरे भाई, वो ऑक्शन में कैसा होता है, पहले वो नाम देता है, उसके तो एक सिलेक्ट करते हैं 500 600 ग्रुप सिलेक्ट करता है, फिर वो लिस्ट जाती है अपने आईपीएल के ओनर्स के पास जाती है, इसमें से आप कौन से प्लेयर के लिए इंटरेस्टेड हो। तो जैसे आप अगर समझो भी आईपीएल की जो टीम्स है उन्होंने अगर आयरलैंड के प्लेयर को चुना नहीं है तो वो उनको लिस्ट से निकाल देते हैं मेरे भाई, इट जस्ट सिंपल। तो उसमें बीसीसीआई की कोई गलती नहीं है, वो ही डिपेंड्स ऑन फ्रेंचाइजी की, फ्रेंचाइजी को मेरे भाई उनको लेना ही नहीं है। तो मेरे भाई वो एक दिक्कत वाली बात है, तो ऐसा होता है मेरे भाई वो आईपीएल ऑप्शन का सीन। एनोन बोन जो कौन जीजस एनोन बिद स्क्रीन में रिजेक्ट हो जाते हैं प्लेयर, स्क्रीनिंग में रिजेक्ट हो जाते हैं, या स्क्रीनिंग कैसा था उसमें यार आप तो, या मेरे भाई स्क्रीनिंग। चलो बढ़िया, मैं भी इसको देना चाहता था अपना श्रीशान को देना चाहता था, बट वो भी आई थिंक सो स्क्रीनिंग में हो जाए, हो नहीं वो तो था यार ऑप्शन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो ऑप्शन में आया था यार। हाउ डू एवरेज क्रिकेटर लाइक डेनियल सैम्स इवन गेट अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन आईपीएल और सम डिजर्विंग एसोसिएट के, बिकॉज भाई बिकॉज वो बिग बैश में परफॉर्म करते हैं ना मेरे भाई, उनके लिए बिग बैश एक, बिकॉज ना यार आप जो भी बोलो आईपीएल के ऑक्शन से पहले हो जाते हैं बिग बैश, और बिग बैश में वो फाड़ के आ रहा है। डेनियल सैम्स के अगर आप रिकॉर्ड देखोगे यार, वो बैटिंग हो जाए बॉलिंग हो जाए वो फाड़ के आ रहा है, एक सीजन से नहीं दो दो तीन तीन सीजन से वो डेनियल सैम्स बहुत ही बेहतरीन कर रहा है मेरे भाई। तो यार तो इसलिए वो आईपीएल के पहले वो भी ये हो जाता है मेरे भाई, सोल्ड अप हो जाता है। और इंडिया में नहीं यार, एक इंसान के अंदर रिसेंसी बायस बहुत होता है यार, रिसेंसी बायस बहुत होता है या डेनियल सैम परफॉर्मिंग बिग बैश या मेरे भाई, तो एक रिसेंसी बायस बहुत होता है यार, कि जैसे 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 भी सीजन खत्म हुआ ऑप्शन हुआ तो भैया अच्छा खेल तो इसको ले लेते, तो यार वैसी चीज हो जाती है यार। और भी बहुत सारे आपको एग्जांपल दे सकता हूँ यार रिसेंसी बायस के, बिग बॉस एक्चुअली टफर देना भाई, मैं ना आपकी बात मानूंगा यार, मैं लिटरली आपकी बात मानूंगा। बिग बॉस में कैसा होता है ना यार कि सारे एक ही लेवल के प्लेयर खेलते हैं यार, ऐसा नहीं कि भाई उसमें विराट कोहली खेल रहा है और विराट कोहली के यहाँ पे खेल रहा है देवधर, क्या उसको देवधर पडिक्कल खेलता है, तो इतना इतना बड़ा लेवल में सारे ना एक ही लेवल के प्लेयर खेलते हैं मेरे भाई, तो वो एक बहुत अच्छा एक है, मतलब मैं कहूँ तो ना वो एक ही लेवल के प्लेयर खेलते हैं, थोड़ा वो लेवल भले थोड़ा कहो मेरे भाई, थोड़ा उन प्लेयर का लेवल थोड़े कम हो यार, बट एक ही लेवल के प्लेयर खेलते हैं वहाँ पे, तो यार मेरे भाई उसने एक आध मैच आई थिंक सो विन किया था ना मेरे भाई, बिकॉज मैंने एक पोस्ट देखा था मुंबई इंडियंस के, इसमें तो उसकी बहुत बात चल रही थी यार डेनियल सैम्स की। इवन मेजोरिटी ऑफ श्रीलंकन बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान आर इग्नोर्ड यार, क्या ही बोले यार, मतलब वो तो अभी अफगानिस्तान तो फिर भी आ रहा है मेरे भाई यार, अफगानिस्तान तो फिर भी अभी बीच, वो भी अफगानिस्तान कैसे आया कि पहले राशिद खान को मौका दिया था बिग बैश ने, फिर वो आया था अपना सीपीएल में, सीपीएल से उसको मौका मिला इधर यहाँ पे उसको मौका मिला, उसके बाद मोहम्मद नबी आए, उसके बाद अपने अभी अपना बाकी के प्लेयर मुजीब आए, और उसके बाद क्या भाई आप बाकी के प्लेयर देख रहे हो, तो यार मेरे भाई ऐसा सारी चीजें होती है, मुझे भी मेरे ख्याल से इस बार नहीं है ना यार, क्या पता यार। यस वन मैच डिपेंडेंट आई, ओके ओके भाई मैं नहीं देख रहा इस बार आईपीएल यार, क्या पता है वक्त ही नहीं मिलता यार, हमारे रात में कुछ ना कुछ हमारी बकचोदी चलती रहती है, और पापा पापा के भी सीरियल होते रहते हैं ना मेरे भाई, तो मुझे देखने नहीं मिलता आजकल आईपीएल, देखने मिल ही नहीं रहा यार। ओ जस्ट स्टैंड यू डीप इन ब्लैक, बांग्लादेश प्लेयर्स आर ऑलमोस्ट यूजलेस इन आईपीएल अकॉर्डिंग टू मी, बांग्लादेश प्लेयर्स नहीं यार वैसा नहीं कह सकते यार, जनरलाइज नहीं कह सकते, शाकिब अल हसन यार इतना अच्छा प्लेयर है, मुश्तफुर रहीम मेरे भाई, अबुशर रहीम बोल रहा हूँ क्या उसका नाम, फीस फीस अपना मुस्तफिजुर अपना अच्छा प्लेयर है, मुर्तजा मुर्तजा जो उसका कैप्टन था पहले वाला वो भी बहुत अच्छा प्लेयर था, और जो अच्छे अच्छे प्लेयर जैसे तमीम इकबाल हो गया मेरे भाई, वो तो अच्छे अच्छे अच्छा प्लेयर है। बाय द वे ओनली मैक्सिमम ऑफ 8 ओवरसीज प्लेयर्स आर अलाउड इन, वो मेरे ख्याल से 9 कर देना चाहिए, 9 कर देना चाहिए, और एक स्लॉट ना मेरे ख्याल से इसको दे देना चाहिए एसोसिएट प्लेयर को, या फिर इंडियन प्लेयर का एक प्लेयर स्लॉट स्लॉट कम कर देना चाहिए। जीत गए मराम, वो तो जीतने ही वाले थे मेरे भाई, वो तो जीतने ही वाले थे यार, तो जो अच्छी बात है। अरे नरसिंह भाई वेलकम, शाकिब अल तो भाई यार वो तो लेजेंड यार, शाकिब अल तो मेरे भाई क्या ही बोलूँ मैं, इज गुड। मैं पैरा बैडमिंटन देख रहा हूँ, ओके अगर देखो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैरा बैडमिंटन देखो मेरे भाई, आपको जो अच्छा लगता है मेरे भाई वो देखना चाहिए यार, स्पोर्ट्स में कोई स्पोर्ट्स 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 मेरे भाई जॉब को मेरे भाई अच्छा लगे वो देखना चाहिए मेरे भाई, तो यार कोई भी चीज़ फोर्सफुली देखनी नहीं चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता तो देखो यार बिंदास देखो, रामू भी नहीं ब्रो, रामू ओपी द चैट गाइस, और कैसे हो मिरकल, हम 5-2 साल, अरे भाई मैं भी मैच देखता हूँ यार ऐसा, इसका अरे मैं जब लाइव स्ट्रीम नहीं करता ना इसका मतलब ये नहीं कि मैं मैच नहीं यार, मैं मैच देखता हूँ मेरे भाई, और जो भी मैं वीडियोज बनाता हूँ मैं मैच देखने के बाद ही वीडियोज बनाता हूँ यार, पहले नहीं बनाता,
केकेआर इज लव। ओके आपकी फेवरेट केकेआर है क्या? ओके ओके ठीक है ठीक है। तो चलो गाइस अभी चलता हूँ यार, मैं वैसे भी चलता हूँ, मैं आपको वैसे मिलूंगा कुछ समय पश्चात। भाई मैं आपसे कब से बोल रहा हूँ, अब वैसे मैं फाइनल चलता हूँ बिकॉज अभी मुझे हो चुका है समय। संजय भाई आप रहो, संजय भाई वेलकम। अगले रात को मिलेंगे यार विद अपना इसके साथ एंड मुजफ्फर रहीम हेल्प विन आईपीएल 2016। या मेरे भाई कौन सा बांग्लादेश प्लेयर था वेरी गुड यार, मुस्तफा रहीम को मौका नहीं मिला, वो भी अच्छा प्लेयर है। तमीम इकबाल उसको मौका नहीं मिला, वो भी अच्छा प्लेयर है। भाई हमें क्वालिफाई करने के लिए इंडोनेशिया को हराना होगा भाई, उसके ऊपर हम अच्छे से बात करें। आपको भाई कल वीडियो आ जाएगी यार, तो वो आप मेरे भाई वीडियो देखने आपको सारी तकलीफ आपको समझ में आ जाएंगी। चलो भाई साहब पीस आउट, चलो अभी गाइस फाइनल का पीस आउट, चलते हैं भाई। मुझे भी स्ट्रीम बंद करनी पड़ेगी, बातें हमारी कभी खत्म नहीं होगी यार। आपको मिलेंगे यार, रात को मिलेंगे।